सांस मिलेगी। ऐ वक्त नजा तू क्यों है रुका, क्यों इतना तू तरसा रहा, मेरी यार कब देख मोहल्ला कब से बुला रहा। राइट नाउ सो अब मेरी आवाज आ रही है भाई, बता दीजिए मेरी आवाज आ रही है OBS पर आई गेस। अच्छा यहाँ पर जो है वो फेसबुक पर कुछ आवाज नहीं जा रही थी, तो अब मेरे ख्याल से आवाज आ रही होगी क्योंकि जो ऑडियो ऑप्शन था एक वो बंद था। तो बताइए भाई। हाँ भाई, पाकिस्तान से बाहर वालों सऊदीया वालों, अरे कराची से बाहर वालों, कराची से बाहर जो लोग हैं वो भी तो ऑफकोर्स फेसबुक पर सुन रहे होंगे। तो बताइए ना, बहुत सारे लोगों ने नहीं बताया, इट मीन्स कि वो लोग फेसबुक पर नहीं सुन रहे थे। अब आप मुझे बताइए कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। आप लोग भाई जो फेसबुक पर कॉमेंट्स करें प्लीज फेसबुक पर सुनकर मुझे बता दीजिए, ताकि फिर मैं आगे की बात बढ़ाऊँ, आगे बात करूँ, आगे मजीद मैं देख लूँ। वैसे आई गेस की आवाज अब आ चुकी होगी, राइट है ना। ये पता नहीं किसी ने यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आवाज जो है ना वो बंद कर दी थी और अब आवाज आई गेस आ रही होगी क्योंकि यहाँ से सही हो गया। हाँ भाई बताएं भाई, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ भाई मसूद आप बताइए फटाफट से, आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही है बताइए ना फटाफट से। हाँ तो भाई क्या चल रहा है, जुमा आ गया यानी कि वीकेंड, वीकेंड आ गया। ऑफकोर्स इतनी जल्दी पूरा हफ्ता खत्म हो गया, पता नहीं चलता, ईद गुजर गई, अब गर्मियां आ गई है और गर्मी जो है वो क्या कहते हैं हबीबुन शदीदुन इतनी ज्यादा कोई शदीद वाली गर्मी है ना यार, मैं क्या बताऊं। अच्छा जी अब ओके, हाँ जी कहाँ पे थे हम, कहाँ पे थे, आपके स्टार्स की बात करेंगे। पहले आपको बता दें टॉपिक आज का क्या है। आज का टॉपिक ये है, आपने बताया, देखिए हमारे पास जो ना बहुत सारी इन्वेंशंस है, ठीक है, साइंस की बहुत सारी इन्वेंशंस हो चुकी हैं दुनिया में, पता नहीं कब से चल रही है। तो बेसिकली आपने बताना है कि कोई एक इन्वेंशन के बारे में आपने बताना है कि जिसने आपकी जिंदगी को आसान बना दिया है। अगर मुश्किल बना दिया है तो वो भी बता सकते हैं, मुश्किल वैसे फोन ही है, वो एक ऐसी इन्वेंशन जो मोबाइल फोन है जिसने शायद सबकी जिंदगी अजीरन कर दी है। आसान तो बनाई है लेकिन मुझे लगता है कि अजाब ज्यादा बना दी है जिंदगी लोगों की, क्योंकि लोगों को चैन ही नहीं है, फोन हाथ में, बस फोन के अलावा कुछ नहीं जिंदगी में, बस जो है वो फोन है। अच्छा जी अब बताइए, अच्छा तो आप मुझे बताइए ना आवाज आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि आवाज मैंने ऑन कर दी है, जरा चेक करें, और उसे आप चेक करें, आप मसूद साहब से कहेंगे दोबारा चेक करें और बताएं कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है। यार जल्दी बता दे मुझे ताकि मैं यहाँ से अगर कोई फेसबुक का इशू है तो मैं चेक कर लूँ उसको। आई गेस आवाज तो आ रही होगी, अब तो आनी चाहिए आवाज यहाँ से, बिल्कुल जी पता चल रहा है मुझे। बाकी जो लोग फेसबुक पर सुन रहे हैं वो लोग भी बता सकते हैं कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही है।
पता क्या कह रही जाया, कह रही अभी मुझे लगता है कि आपके स्टूडियो में ना जिन है, आपकी हंसी से ना उसके बच्चों की नींद खराब होती है, इसलिए ना वो आपके शो में आके कुछ ना कुछ खराब करता रहता है। और अभी आपने ना सॉरी सारे दिन क्या क्या अच्छा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और बस है कुछ जिन बाकी में है तो सही, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी दुआएं पढ़ पढ़ के भगा देते ऐसे जिन को। हम रोजाना आयतुल कुर्सी का विर्द करके आते हैं भाई, अपना हिसार खींच के आते हैं, सीधी सी बात है। फिर जिन हो जिन्नात हो, जिन्नात की फौज हो। अच्छा उरुस आप चेक कीजिए, आप खुद चेक कीजिए कि फेसबुक पर आवाज आ रही है नहीं आ रही, तो आप मुझे बता दे राइट। मसूस आपको आ रही है नहीं आ रही, पहले आप मुझे ये बताएंगे फेसबुक पर आवाज आ रही है। हाय यार, अच्छा जी हाँ जी, पहले ये तो मैंने बता दिया आपको, फिर साथ साथ हमने बता रहे हैं इश्क में क्या रखा है कमाल। गर्मी है तो करो सारा धमाल, चलें जी बताएं फटाफट से, इश्क में क्या रखा है कमाल, इश्क में क्या रखा है कमाल, इसको करेंगे कंप्लीट। अच्छा जी, और साथ साथ बता देते हैं खबरें शबरें क्या चल रही है दुनिया में, आपके स्टार्स की बात करते हैं, आपके कमेंट्स को शामिल करेंगे, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, बातें तो हमारी कभी खत्म ही नहीं होती जिंदगी में, और ऑफ कोर्स कभी खत्म होनी भी नहीं चाहिए, वरना बोरियत हो जाएगी ना जिंदगी में, रहेगा क्या फिर अगर बात नहीं करेंगे तो है, और अगर खामोश खामोश रहेंगे, बोरिंग, हंसेंगे नहीं, हंसी मजाक नहीं करेंगे, यू नो चिल नहीं करेंगे, फिर रह क्या जाएगा यार जिंदगी में, मतलब क्या रह जाएगा। अरे ये क्या हो गया, कराची में धमाका कब हुआ भाई, मैंने अच्छा ओके ओ माय गॉड, अच्छा जी और ओके ये कोई दूसरा धमाका है गैस, वो जो लास्ट टाइम जो हुआ था वो कराची यूनिवर्सिटी के गेट पे हुआ था, और अब जो है वो ये दोबारा एक और जो है वो धमाके की इतला मिली, अल्लाह ताला खैर करे कराची पर, अपना रहम करे करम करे। अच्छा रात के टाइम ये धमाका हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है, इससे एक शख्स जहां बहक हो चुका है, अल्लाह ताला मगफरत फरमाए, और ये सदर के इलाके में धमाका हुआ है। अच्छा खासा पुरसकून पुर अमन जो है वो सब माहौल था और सब कुछ ठीक हो गया था, ये अचानक से फिर दोबारा सिलसिला चल निकला, अल्लाह ताला बस रहम करे करम करे अपना पूरे पाकिस्तान पे, कराची पे तो खास तौर पर ऑफ कोर्स, क्योंकि अब यहाँ पर ये चीजें स्टार्ट होगी, लेकिन बाकी शहरों में ना हो, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, पूरे पाकिस्तान को महफूज रखे, अपनी पनाह में रखे। कह रहे भाई मुल्क खजाना खाली होने का सिलसिला जारी है, क्योंकि डॉलर जो है वो दिन ब दिन अपनी उड़ान जो है वो तेज करता जा रहा है, उड़ान भर रहा है, और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट रोजाना क्रैश करती जा रही है, हर दिन रुपया अपनी कदर खो रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो फिर अभी क्या हो रहा है, अब आप बताए ना ये कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, महंगाई क्यों कम नहीं हो रही है, महंगाई तो अब कम हो जानी चाहिए, क्योंकि अब तो भाई इतनी सारी चीजें अच्छी हो गई ना। लोड शेडिंग का ये हाल है, लोग बिलबिला रहे हैं और कह रहे हैं भी कराची में तकरीबन कोई 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, बहुत सारे इलाकों में पता नहीं क्या हाल है, किसी ने कल कहा था ना कि एक घंटे लाइट आती तो 4 घंटे लाइट चली जाती, ओ माय गॉड यार कैसे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन इन दिस सिचुएशन राइट, बिकॉज इतनी गर्मी है और हर किसी के घर में जो है वो, अच्छा कह रहे हैं कि नहीं आ रही है आवाज नहीं आ रही है, क्यों आवाज नहीं आ रही है, आई डोंट नो कि क्यों ऐसा है, आवाज क्यों नहीं आ रही है भाई, अब आ रही है आवाज या अभी भी नहीं आ रही है आवाज, यार यहाँ से तो मैं भी चेक करती हूँ, चलो मैं भी अपनी फेसबुक से अभी चेक कर लेती हूँ कि आवाज क्यों नहीं आ रही है, अभी मैं यहाँ पर ओके ठीक है, यहाँ पे तो यार सही चल रहा है, ऐसा कैसे, कह रहे अब ठीक है आवाज, ठीक हो गई आवाज, अरे वाह कह रहे सही आ रही है अभी, और साथ साथ अच्छा जी अच्छा कह रहे भाई अब जो है 20 मिनट आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बस बीजीएम सुन सुनकर कान पक गए थे, मेरी आवाज नहीं आ रही थी, आई डोंट नो कि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे कुछ लॉक हुआ था जो कि मैंने अभी ऑन किया, तो आई गेस आवाज आ रही है अब, यार ये पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं,
हर दिन मैं आती हूँ, अलग ही सेटिंग होती है कुछ। और उसे कह रही है अभी एफबी पर भी सिर्फ कराची वालों का आवाज आ रही है। अब तो आ रही है ना आवाज भाई, देखें अब आ रही है। अभी मुझे किसी ने कहा कि आ रही है आवाज, अभी तो ने कहा कि आवाज आ रही है। तो चलें जी, बहुत अच्छी बात है अगर आवाज आ रही है तो। तो चलें जी, बात करते हैं आपके स्टार्स की। और खबरें मैंने आपको बता दी हैं, इससे ज्यादा खबरें अगर मैंने आपको बताई ना तो आप लोग टेंशन में आ जाएंगे, तो इसलिए मैं इससे ज्यादा खबरें नहीं बताऊंगी। और फिर मैं भी ना टेंशन से ज्यादा खैर टेंशन तो नहीं होगी, बट फिर मैं जो है ना फिर बहुत सारी बातें करूंगी जो कि सियासत पे हमें बातें नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, राइट। ओह माय गॉड। अच्छा जी, और कुछ बातें ऐसी होती है ना कि जिनको वगी में आपको पढ़ के ना इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है कि आप क्या करें। और साथ साथ तो बात करेंगे क्वेरियस की। क्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा? आज किसी किस्म की नई जिम्मेदारियों का बोझ उठाने से गुरेज करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका अपने मौजूदा अहदाफ को मुकम्मल करना नामुमकिन होगा। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी तवानाई को बहाल रखने के लिए बहुत से मनसूबे एक साथ शुरू ना करें और ना ही अपनी बिसात से बढ़कर खुद को मुतहरिक करने की कोशिश करें। अगर आपने अपने आप को पुरसकून और मुतमईन बनाने की कोशिश ना की तो यकीनी तौर पर जहनी दबाव और बेचैनी से पाला पड़ेगा कि जिससे मौजूदा हालात में पैदा होने वाले उलझाव आपके लिए बहुत सी मुश्किलात का बाइस बन सकते हैं। अपने प्यारों से मुशावरत का सिलसिला टूटने ना दें और ना ही किसी किस्म की जल्दबाजी या उजलत से काम लें। बात करेंगे पाइसेस के। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज मजबूती तौर पर अपने जहनी उलझाव का शिकार होंगे आप, कि जिसकी वजह से आपकी जज्बातियत और जोश व खरोश की वजह से आप में तोड़ फोड़ के जज्बे परवान चढ़ सकते हैं और एहतजाजी रवैये की वजह से आपके हालात में मजीद अबतरी पैदा हो सकती है या आप किसी पेचीदगी का शिकार भी हो सकते हैं। किसी भी काम को निपटाने में आपकी कोशिशों के बारे में सर्द मेहरी अख्तियार की जा सकती है, लेकिन आपको किसी भी हालत में जिद या अनापरस्ती से काम नहीं लेना चाहिए। अच्छा जी, ठीक हो गया? चलें जी, ओके। और आई गेस मुझे लग रहा था कि सिर्फ मुझे लग रहा था कि फेसबुक पर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा और सिर्फ, अच्छा मुझे बाद में पता चला कि सिर्फ मेरी ही आवाज़ नहीं जा रही थी। ओके चलें, ठीक हो गया, हमने इसको सॉर्ट आउट कर लिया है। और भाई बता दें, आप महसूस आपसे कहें बताएं कहाँ कहाँ पर जो लोग कराची से बाहर जो सुन रहे हैं बता दें भाई। ऐसा तो नहीं होता वैसे, अगर फेसबुक पर आवाज़ आ रही है तो सबको आवाज़ आती है, ऐसा कभी नहीं होता कि आई डोंट नो कि क्या इशू है, इसको हम सॉर्ट आउट करवा लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बात करते हैं एरीज के। एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? लेकिन उससे पहले पाइसेस की हमने बात नहीं की, आई गेस पाइसेस की भी तो बात करनी है। आज अपने फराइज की अदायगी और बर वक्त नतायज मुहैया ना करने की वजह से आपकी अपने सीनियर अफराद की जानिब से डांट डपट भी हो सकती है और आपको उससे बुरा मानना नहीं चाहिए, चाहे उस सारे मामलात में आपका कोई कसूर भी ना हो। इसके बावजूद आपको उम्मीद कायम रखनी चाहिए। वैसे भी आपकी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए इस किस्म की दवाई आपको मिलती रहनी चाहिए ताकि आप अपनी गलतियों की इस्लाह कर सके। हो ठीक है ना, आपको दवाई मिलती रहनी चाहिए। अपने अहदाफ के हुसूल में यकीनी कामयाबी के हकदार बन जाएं। अपने हालात में पाई जाने वाली पेचीदगी के बारे में तमाम तफसीलात की वजाहत करनी जरूरी होगी। इसके अलावा अपनी गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करें। बात करेंगे टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन रहेगा कैसा? सो टॉरस वालों, सो आज अपने अहदाफ के हुसूल में आपकी मसरूफियात उरूज पर होने की वजह से आपको वक्त मैसर ना आ सकेगा कि जिससे आपको अपने प्यार मोहब्बत के मामलात और अपने प्यारों को भी नजरअंदाज करने का बहाना मैसर आ सकेगा। मुमकिन तौर पर उससे आपके बाहमी ताल्लुकात मुतासर भी हो सकते हैं। इन हालात की वजह से किसी तकरीब में शमूल की दावत भी ठुकरा देंगे। मुमकिन तौर पर आपके दोस्त अहबाब आपके यहाँ मुलाकात के लिए आ सकते हैं और आपको हालात के मुताबिक फैसले करने का मौका मिल सकता है कि जिससे मुस्तकबिल के बहुत से अहदाफ का हुसूल मुंसलिक हो सकता है। अपने प्यारों की ख्वाहिशात का खास ख्याल रखें और अपने आप को मजीद बे आराम भी ना करें। बात करेंगे जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? फिर आपके कमेंट्स को शामिल करते हैं। आज बहुत सी रुकावटें और मुश्किलात पैदा होने से आपके लिए कामयाबी का सफर जारी रखना या तय करना खासा दुश्वार हो जाएगा, खासा मुश्किल हो जाएगा। चलते प्यारों के साथ आपकी गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं कि जिन्हें खुले दिल से बातचीत करके बाहमी तौर पर एक दूसरे से नुक्ता नजर समझ कर ही उसको खत्म किया जा सकता है। तो किसी भी तरह की आने वाली मुश्किलात को आप किसी बुजुर्ग या सीनियर फर्द की मुशावरत या अमली मदद हासिल करके
तमाम मसाइल पर काबू पा सकते हैं। बैरून मुल्क सफर की तैयारियां अचानक ही खत्म हो जाएंगी, जबकि आपको अपनी सेहत के मामला भी दरपेश हो सकते हैं। मोहतात रवैया अख्तियार करते हुए अपने आपको मजीद पेचीदगियों से दूर रखना बेहतर होगा। अच्छा जी, सो ओके अच्छा जी हाँ, तो चले जी बात करते हैं आपके कमेंट्स की, देखते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ से मौजूद है, किस किसने अपनी अटेंडेंस मार करवा दी, और कौन है जो ढीठ है जिसने अभी तक अपनी अटेंडेंस मार की नहीं करवाई है। और लेट्स सी के हु हैव विद अस। ओके अरे यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं आ रहे, चलें जी हम यहाँ से इसको सर्च कर लेते हैं, देन वी कैन फाइंड द पेज। ओके अच्छा जी, ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया। На руки мои ты надела кандалы, где пропадаю, ты ночью гадала, а я друзьями сгораю до талла. अच्छा जी ओके, हाँ जी यहाँ पर आ गए, और देखते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ से मौजूद है। किसी ने कहा कि स्कॉर्पियो का बताया, स्कॉर्पियो का बिल्कुल बताते हैं, थोड़ा सा इंतजार करें, और आई विल ट्राई कि मैं तमाम स्टार्स को वाइंड अप करूँ आज, क्योंकि रोजाना ऐसे ही होता है ना कि मैं पढ़ नहीं पाती हूँ आप लोगों की बातें, आप लोगों की कॉल्स इतनी सारी कि समझ नहीं आता कि क्या करे बंदा। अच्छा जी, सो उरूसा कह रही है कि आ रही है आवाज, चलो जबरदस्त होगी उरूसा। और आयत दूर कह रही है कि आरजे आयत उस्मान फ्रॉम हैदराबाद। ओके बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम आयत, एंड कह रही नाइस बैकग्राउंड, थैंक यू सो मच। आंदा कह रही है शर्मीन, उरूसा, आयशा, कासिम, सानिया, सानिया मुनिया भी की खुशी, अच्छा कह रही है, और रुबीना भी, और को सबको भी तरफ से सलाम। चलो जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ उरूसा कह रही है मसूद अंकल को नहीं आ रही आवाज, पता नहीं क्या वजह है, हो सकता है कि मसूद अंकल के जो है वो फोन में कुछ मसला हो, उनके हैंड फ्री में कुछ मसला हो, क्योंकि यहाँ से अगर आवाज जा रही है तो आयत दूर कह रही है सिस्टर आ रही है आवाज, चलें जबरदस्त हो गया। उरूसा कह रही है अभी मुझे तो आवाज आ रही है फेसबुक पर, जबरदस्त हो गया। और राशिद फरीद बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा आमना कह रही है कि बारिशों की तरह बरसती रहे खुशियां आप पर, हर बूंद आपके दिल से हर गम को दूर कर दे, आमीन सुम आमीन, बहुत शुक्रिया। रिजवान रिजवी कह रहे हैं कि ब्रिजेस अंडरपास एंड यू टर्न्स ने फासले कम कर दिए हैं, आप घंटों के फासले मिनट्स में तय हो जाते हैं, ठीक हो गया। और राशिद फरीद कहते हैं कि नाइस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा सोनू फैजान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आबिद में कहते हैं आप ठीक है, आवाज चलें जबरदस्त हो गया, आबिद में आपने बता दिया था, और सब कह रहे हैं आवाज सही आ रही है। और इसके अलावा आयशा कासिम कह रही है फरहाना भी कल एंड के 20 मिनट आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बस बीजीएम सुन सुन के ना पक गए थे। हाँ जी एंड का बीच बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने आखिर के 20 मिनट बोला भी नहीं था कुछ। आपका आवाज आती तो कैसे आती, जब कल आखिर के 20 मिनट थे तो ऐसा कुछ हुआ, एक तो मिसेस फारूक की कॉल ड्रॉप हो गई, राइट, मैं उनसे बात कर रही थी उनकी कॉल ड्रॉप हो गई, उसके बाद हुआ ये कि कुछ टेक्निकल एरर्स थे, तो फिर मैंने अपनी वीडियो लाइव की, जो लाइव थी वो एंड की फिर अपने फ़ोन से, और फिर उसके बाद कुछ डिस्कशन हमें करनी थी वो लाजमी थी, और फिर वो हमने कहा चलें ये साथ सॉर्ट आउट हो जाएगा इशू भी, जो कुछ टेक्निकल एरर्स थे तो उसमें टाइम इतना ज़्यादा लग गया कि पता ही नहीं चला, 11 बज चुके थे, फिर 11 बजे के बाद मेरा कोई फिर आकर वापस को शो अप करने का एक वो कोई एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होता, तो अच्छा नहीं लगा मुझे, तो इसलिए फिर हुमैरा भी आ चुकी थी, तो फिर हुमैरा ने अपना शो स्टार्ट कर दिया सारी चीज़ हमने सॉर्ट आउट करने के बाद, ये हुआ था, दैट्स व्हाई आई कुडंट टॉक मोर, बट आई विल ऑफ कोर्स। अच्छा जी आयशा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रूसा कह रही हैं कि आप ये अभी पर बहुत अभी पर सिर्फ कराची वालों को आवाज रही नहीं, कराची वालों को नहीं सब सुन सकते। रिजवान रिजी कह रहे हैं इंटरनेट की इजाजत सास हम दरबार बात करना बहुत आसान और सहल कर दिया है, जबरदस्त हो गया। जिशान काकड़ कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सईद फरहान अली, हाउ इज गोइंग लाइफ, वालेकुम अस्सलाम, लाइफ इज गोइंग जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और साथ साथ इसके अलावा और कौन है, अच्छा जी आयशा कासिम कह रही है कि बरहाना अभी मीरपुर हॉक्सबे की तरफ से तो बिल्कुल सही आवाज़ आ रही है, ज़बरदस्त हो गया। और असद अली यानी कि जोया, बहुत शुक्रिया जोया, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा आयशा कह रही है बरहाना अभी, हाँ जी बिल्कुल ये पढ़ लिया, बहुत शुक्रिया आपका, लड़की ने इतनी दफ़ा जो है ना कॉमेंट पेस्ट कर दिया। मुश्किल कह रही है आ रही है आवाज़ अभी, चलो जबरदस्त हो गया। चलो बताओ ना इश्क में क्या रखा है कमाल। और शकीरा 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 बोल शकीरा शकीरा अजीज़ वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। रिजवान रिजवी कहते हैं प्लीज़ टेल मी सेकंड टॉपिक डियर आर जय, ओके बता तो दिया हमने, कितनी बार बताएं, बता तो दिया। बताया तो है। शेख मोहम्मद जरियाब जावेद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम बाजी फरहाना, आपको और आपके सुनने वालों को मेरे दिल से बहुत बड़ा सलाम, बहुत बड़ा वाला सलाम, चले जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ शकीरा कह रहे हैं कि जी आवाज क्लियर नहीं है, क्यों भाई अपने कानों को साफ कर लो बेटा, अगर आवाज क्लियर नहीं है तो शकीरा।
मेरे ख्याल से शाकिरा होगा ये, मैं उसको शकीरा बड़े, दैट इज दैट मस्ट बी शाकिरा राइट, शाकिर की बहन शाकिरा है ना, ऐसे ही है शाकिर की बहन शाकिरा. ये होता है ना बड़ा, ये बड़े मिलते जुलते ना होता है. अच्छा जी सारी, आप कह रहे हैं कि भाई जुमा मुबारक आपको और तमाम लिसनर्स को, मुझे दुआ में याद रखेगा, रिगार्ड्स. अच्छा जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. और फातिमा अंसारी, वालेकुम अस्सलाम, मेरे हाल बहुत अच्छे हैं. फातिमा आप बताइए, आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं. और इसके अलावा आज जब गुल कहते हैं कि हाय हाय, रिजवानी भी कह रहे हैं कि प्लीज रीड माय मैसेजेस डियर आरजे, पढ़ ली मेरे भाई, पढ़ लिए. अच्छा जी, और साथ साथ रूसा खान कह रही है सऊदी वालों को आवाज नहीं आ रही. अरे सऊदी वालों की आवाज आ रही, सऊदी वालों, अरे सऊदी वालों सुन लो मेरी आवाज. सुशांत काकर कहते हैं कि मैं सुशांत काकर फ्रॉम कराची, कांट स्टेशन से, कांट नहीं होता बेटा, कैंट स्टेशन होता है. माशाल्लाह शो इज बेस्ट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. कैंट स्टेशन को लिखा कांट स्टेशन. अच्छा जी सुशांत भाई कह रहे हैं सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मेरे भाई. कह रहे हैं आप स्कॉर्पियो को नहीं बताती हैं, मैं ना हर बार वेट कर रहा होता हूँ, टाइम ही खत्म हो जाता है, क्या करें. कह रहे माशाल्लाह शो इज बेस्ट लाइक क्वेटा, क्वेटा है और तुम्हारे दिल के टूटे हुए बनाए भाई. और अच्छा जी, और इसके अलावा शेख मोहम्मद सैयद कह रहे हैं कि कल क्या सीन हुआ था, आप 10:45 पर गायब हो गए थे, बता तो दिया भाई, कितनी बार बताऊं. और इसके अलावा कह रहे हैं दिस इज नॉट फेयर. अच्छा जी, व्हाट इज फेयर देन. अच्छा जी, और साथ साथ रिजवान कह रहे हैं कि आपकी आवाज फेसबुक पर बिल्कुल ठीक आ रही है, जबरदस्त हो गया. आप लोग जो है वो बताते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है. साथ साथ मजा करें, मैम आवाज तो नहीं आ रही पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आपको भूल जाए हम, इतना आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम, आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं. Yeah, it's been very long, वैसे गाया भी नहीं जा रहा है. वैसे गाना बड़ा मुश्किल है भाई, मेहदी हसन साहब का. इसको कोई भाई बहुत ही कोई आला सिंगर ही गा सकता है, मैं तो नहीं गा सकती, बहुत मुश्किल गाना है भाई, सीधी सी बात है. और आई जस्ट ट्राइड माई सेल्फ, आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट नॉट माई सेल्फ. अच्छा जी रिजवान कह रहे हैं माशाल्लाह माइटी अल्लाह शावर ऑन यू हिज हैप्पीनेस काइंडनेस ब्लेसिंग्स प्रॉस्पेरिटी एंड गिव यू हेल्थ वेल्थ फिटनेस प्लेजर आमीन सुमामी जज़ाकअल्लाह. बहुत शुक्रिया रिजवान मेरे भाई. और कासिम कबूल वालेकुम अस्सलाम. शाह शहजाद अहमद कहते हैं कि सो नाइस शो सिस्टर, खुश रहो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शहजाद मेरे भाई. और आमना कह रही है अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा सईदा फरहान अली आपी जान, वालेकुम अस्सलाम. कह रही क्या हाल है, मेरे हाल बहुत अच्छे. कह रही कैसी हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्यारी सी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. रिजवान कह रहे हैं कि हैप्पी होली फ्राइडे डियर आरजे, बहुत शुक्रिया मेरे भाई. नईम उल हसन बहुत शुक्रिया. मुलासर हसन वालेकुम अस्सलाम, मेरे हाल बहुत अच्छे, आप बताइए आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं. और लिखा है कि आई एम बाबर खान. ओ क्या हाल बाबर खान, ठीक हो, खैरियत से हो. अच्छा जी राशिद फरीद कह रहे हैं कि पर आना आपकी आवाज़ की आवाज़ बहुत प्यारी है, पर आना, पर आना ये क्या है भाई. भाई मेरा नाम फरहाना है, प्लीज राइट माई नेम इन राइट स्पेलिंग. कह रहे हैं कि माशाल्लाह चले जी, बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला. कह रहे हैं आपको लंबी उम्र अता फरमाए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. और देखें आवाज़ तो अल्लाह ताला ने अता फरमाई, तो कमाल तो सिर्फ अल्लाह ताला का है, मेरा कमाल बिल्कुल नहीं है. और इसके अलावा नईमुल हसन कह रहे हैं आवाज़ आ रही है, झूठ बोलते हैं ये लोग. राशिद फरीद कह रहे हैं बहुत शुक्रिया चले जी, आज बढ़िया. और शाकिरा कह रही है अभी भी प्रॉब्लम है वॉइस में, कट हो रही है, कट हो रही है. अब तो फिर इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा भाई, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से बिल्कुल एकदम स्मूथली आवाज़ आ रही है हमारी, कोई इशू नहीं है. और मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ना तो मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, मतलब पता चल रहा है यहाँ पे जो एक वो यू नो एक यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, एक मीटर कहते हैं, क्या कहेंगे इसको हम, आई डोंट नो, वो जो एक ऑडियो मिक्सर यहाँ पे होता है ना, उससे मुझे पता चल रहा है कि मेरी आवाज तो जा रही है भाई, साफ साफ एकदम क्लियर शफाफ, क्योंकि वो ना टिमटिमाना शुरू कर दे. टिमटिमाना शुरू कर देता है. अच्छा जी शागर कह रही है अभी भी प्रॉब्लम है वॉइस, मुझे लग रहा है कि आपके इंटरनेट में कोई इशू है भाई. और वहीद लोहार कहते हैं कि साकिब वहीद सुनते हैं फ्रॉम मुल्तान. अरे मुल्तान वालों क्या हाल है, मुल्तान वालों, मुल्तान में वैसे क्या गर्मी ज्यादा नहीं होगी, मुझे लगता है मुल्तान में इस टाइम बड़ी गर्मी होगी, शदीद वाली गर्मी है ना.
वैसे कराची में भी ना बड़ी शदीद वाली गर्मी होती है आजकल, तो बड़ी शदीद वाली गर्मी है। और साथ दरूसा कह रही है अभी आज वो सॉन्ग जरा सी लगा लो, बोले करने कॉपीराइट फ्री है, कॉपीराइट फ्री है, सही बताओ। और अगर आया तो हमने कह रही है टॉपिक पर जवाब है, कराची में कुछ नहीं रखा, जो कुछ रखा है है कराची में कुछ नहीं, अच्छा कह रहे हैं, अच्छा कह रही इश्क में कुछ नहीं रखा कमाल, जो कुछ रखा है कि माँ बाप की दुआ में रखा है, तो माँ बाप की दुआ मिलेगी ना इश्क भी मिल जाएगा। कासिम को बोल कहते हैं कि नाइस, बहुत शुक्रिया रिजवान, कह रहे हैं कि एवरी इन्वेंशन हैड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, वाह वाह क्या बात बताई आपने। और हमें तो बताइए, शाकिरा कह रही है कि जी बिल्कुल सही हो गया, और साथ साथ शकीरा कह रही है, शाकिरा या शकीरा, शाकिरा ना आई गेस, शाकिरा आप मुझे उर्दू में लिखकर बताइए, हुर्फ़े तहज्जी में इट्स शाकिरा, और मेरे ख्याल से शाकिरा ही होगा। आम कह रही है कि अभी मुझे फीवर है 3 दिन से, अरे गेट वेल सून लड़की, अपना ख्याल रखो। और आजकल बड़ा ये फीवर बड़ा आम हो गया है आजकल, पता नहीं क्यों गर्मी के मौसम में लोग बड़ा बीमार हो रहे हैं, स्टमक डिस्टर्ब हो रहा है लोगों का। तो प्लीज आप लोग अपना ख्याल रखिए, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, और हद से ज्यादा ठंडी चीजें इस्तेमाल ना कीजिए। आप ठंडी चीजों का जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन हद से ज्यादा जो लोग ठंडा, मतलब कोई भी ठंडा पानी या बहुत ज्यादा चीजें ऐसी खाते हैं ना, ऑफ कोर्स आपका स्टमक डिस्टर्ब होगा, आपका इम्यून सिस्टम क्योंकि अंदर से बहुत जो है वो गर्म होता है, वो चिल्ड नहीं होता, तो इसलिए वो हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह, तो जरा ख्याल करें। अच्छा जी, साथ साथ राशिद फरीद गणेश फरहाना, अभी मैं शो जनवरी पंजाब शायर पीर से सुन रहा हूँ, जनवरी पंजाब है कह रहे, सुन रहा हूँ, नाइस फेसबुक आवाज़, चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा हमने कह रही है कि आवाज़ तो अच्छी आ रही है आपकी, बिल्कुल क्लियर आ रही है, जबरदस्त हो गया यार, तुम लोग मुझे बता देते ना, मुझे एकदम बिल्कुल सुकून मिल जाता है। और कामरान शाह कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बेवफा आरजे, वालेकुम अस्सलाम, मैंने कौन सी बेवफाई कर दी, मैंने क्या किया भाई, कौन सी बेवफाई कर दी मैंने, अब क्या हो गया, मैंने कौन सी वफा के पैमाने जो आपको बताए कि कौन से अहदो पैमा किए थे मैंने, हैं राशिद फरीद करेंगे माशाल्लाह नाइस वॉइस, बहुत शुक्रिया मोश, करेंगे हाय मेरे कमेंट खा जाते हैं अभी, खा जाओ मैं अभी कहीं नहीं जाओ लड़की, तुम्हारे कमेंट तुम बार बार पेस्ट करो, देखो हर किसी के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, मुझे सबके कमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे कमेंट्स क्यों नहीं मिल रहे। और साथ साथ देखो जो जो मुझे कमेंट्स नजर आ रहे हैं मैं पढ़ रही हूँ, और अगर जो कमेंट्स मैं नहीं पढ़ रही हूँ इट मींस कि वो मुझे नजर नहीं आ रहे, अगर मुझे नजर आएंगे तो पढ़ूंगी फिर। अच्छा जी, असद अली यानी कि जोए कह रही है अभी क्या आपके शो, आपका शो जाम शोरों में सुन सकते हैं रेडियो पर, हाँ जी बिल्कुल सुन सकते हैं, कह रही अभी मेरी अभी ना आपका शो सुनेंगी, हाँ हाँ अपनी बहन को कहोगे ट्यून कर ले, अगर सिग्नल आ जाएंगे तो बिल्कुल सुन पाएंगी। और साथ साथ शायान अली कह रहे सॉन्ग का सत्यानाश कर दिया, तो आपको आप गा के बता दें, आपने तो सबके सत्यानाश कर दिया होगा, आपने अपना सत्यानाश कर लिया बेटा, आप यहाँ पे आके कट लो बेटा फिर। तो तुम्हें क्या लगता है बुरा लगेगा, ओ माय गॉड लिटरली लाइक सीरियसली तुम लोगों को लगता है ये? मुझे कोई फर्क पड़ता है तुम लोग ऐसी बातों से, यू जेलस? ऐसे जो लोग किसी की तारीफ नहीं कर सकते ना, मतलब लोगों को कुछ बर्दाश्त नहीं, तो आजकल पता है क्या सीन है, इतने नेगेटिव है ना लोग, इतने नेगेटिव, नहीं पसंद आया तो भाई अपने कान बंद कर लो, रेडियो बंद कर दो, जाओ कहीं और कोई और रेडियो चैनल लगा के सुन लो, लेकिन नहीं आके बात करेंगे नेगेटिव। फैजान अली वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, शाकिरा कहती है जी वॉइस क्लियर हो गई है, आई एम शकीरा, यू आर शाकिरा, यू आर राइट, ओके जबरदस्त हो गया। और इसके अलावा कामरान शाह कहते हैं एफबी लिंक बहुत मुश्किल से मिला आपका, एफबी लिंक के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या करना है। अच्छा जी, अच्छा जी एफबी लिंक आपको अगर नहीं मिलता मेरा, तो आप लोग एक काम करें, आप लोग जाएं गूगल पर सर्च करें आप सैयदा फरहाना अली, सही है, सिर्फ आपने गूगल पर जाकर सैयदा फरहाना अली लिखना है, तो आपको मेरा फेसबुक पेज मिल जाएगा, आपको मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा, आपको मेरा ट्विटर भी मिल जाएगा, आपको मेरा यूट्यूब भी मिल जाएगा, आपको तमाम मेरे जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं आपको तमाम अकाउंट्स मिल जाएंगे, बस आपने फॉलो करना है, लाइक करना है, राइट? तो इतना आसान है बस एफबी लिंक ढूंढना। कामना शाह कह रहे कल के शो का सॉन्ग हिफ्ज हो गए हैं, 10-45 मिनट पर चला था। हाँ तो क्या हो गया, अच्छा जी। और अमीर अली कुंबर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अभी नाइस शो, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और शाकिरा कह रही है हाँ जी 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 अब ठीक है। और नथीराम सौदा कहते हैं कि फरहाना अली जी हंसते हंसते
नमस्ते, कैसी हो जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? और इसके अलावा शेख मोहम्मद अरियाब जावेद कहते हैं बाजी बरहाना उसको ना मीटर नहीं वेव्स कहते हैं, दैट इज नॉट वेव्स, ओके दैट इज नॉट वेव्स, मैंने बता तो दिया। ऑडियो मिक्सर मुझे क्या बता रहे हो, मैंने बता दिया। वही लोग कह रहे हैं आपकी आवाज मुल्तान तक आ रही है, हैं सच्ची में आ रही मेरी आवाज मुल्तान तक, बहुत अच्छी बात है। चलो मुल्तान वालों एंजॉय करो। अच्छा जी, फहद कह रहे हैं कि प्रेजेंटर प्रेजेंट टीचर और खत्म है तुम पर फंटर। अच्छा जी, निशान कह रहे हैं अगर किसी को आवाज ना आए तो रेडियो पर लाइव देख लो या सुन लो। क्या बोंगी मारी है। अच्छा जी, और साथ साथ सज्जाद हुसैन मालिक कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी शहजादी बेटी, तो माशाल्लाह एक बेहतरीन मुस्कुराहट की मालिका है, और प्यारी शहजादी बेटी को जुमा मुबारक और हसीन बज़्म में खुश आमदेद। प्यारी बेटी को अल्लाह पाक अच्छी सेहत वाली आफियत वाली कामिल ईमान बरकत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह सज्जाद अंकल, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, रिजवान कह रहे हैं I like your very nice smile, okay? कह रहे हैं, which make me happy ever, almighty Allah, आपको हर बुरी और बद नजर से महफूज रखे, आमीन सुमामीन कह रहे हैं। चलें, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया रिजवान मेरे भाई। और नईमुल हसन कह रहे हैं आप कोई अच्छी सी बात से आगाह करें, आवाज तो सब सुन रहे हैं, अच्छी सी बात से आगाह करूं। अच्छा, आप भी कोई अच्छी बात देखते तो फिर हम भी अच्छी बात कर लेंगे। फहद कह रहे हैं कि 28 जून का स्टार बताओ, 28 जून का आपका जो स्टार है वो होगा कैंसर होगा, आई गेस कैंसर ही होना चाहिए, मैं कंफर्म करती हूँ, ठीक है अभी बताती हूँ आपको, हाँ कंफर्म कर लेती हूँ। हाँ जी भाई, आपका स्टार कैंसर है, सो एक और कैंसरियन आ गया, सही है, ठीक हो गया। और साथ साथ हाँ जी, कामरान शाह कह रहे हैं कि आज रफ्तार रफ्तार लगा दो, अभी रफ्तार रफ्तार नहीं लगाएंगे। गदाय मुस्तफा के रमजान मलिक साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आदाब तस्लीमात, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आमिर फराज कहते हैं कि मैं भी हूँ यहाँ पर, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, जुमा मुबारक, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा मोहम्मद खान सुमरो कह रहे हैं फ्रॉम खोखरा पार्थ, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। और मेरा एक जो बीजीएम है, जरा मैं उसको प्ले करती हूँ, जो मेरा बीजीएम है, मेरा फेवरेट वाला, दैट इज माय फेवरेट नाउ अडेज एक्चुअली, सो उसको जरा हम प्ले करते हैं, फिर उसके बाद करेंगे आपसे मजीद बातें, दैट इज राइट इट, ओके राइट इट प्ले करते हैं, और क्योंकि ये मेरा बीजीएम है, हाँ जी हम इसको प्ले करेंगे ये वाला, और दिस इज अच्छा जी, हाँ जी ऐसे कर देते हैं। अच्छा जी, तो ये वाला बीजीएम भी हमारा कॉपीराइट फ्री है, तो आप सारे वही वाले बीजीएम प्ले करेंगे हम जिसपे कॉपीराइट कोई ना हो, और यस हियर वी गो, आई जस्ट लव इट। About a month and 20 days, and we're going round and round playing city games. Now you say you're slowing down, not right now. Then you wake up me and walk away. Ye kya kya main betab ho gaya? Oh no no no, tere bina mujhe nahi jeena. Kya yehi pyar hai? Ban jao tum. Saturday, you're acting like a diva saying you don't wanna pay. It's gotta be your feisty style, raise that crowd. I love it when you look at me that way. Now we're in your order and mojito at the bar. Reapplying it because it came off on the glass. The DJ plays your favorite song, honey song. Now you're beckoning for me to dance. Ye kya kiya main betab ho gaya? Tere bina mujhe nahi jeena.
अच्छा जी, और चलें जी कुछ कमेंट्स को हमने शामिल किया, अब कॉल्स को शामिल करेंगे। 03216603 इज द नंबर टू कॉल। टाइम हो चुका है और हमें तो याद ही नहीं है भाई कि टाइम हो चुका है, 10 बज चुके हैं हम अपनी बातों में लगे हैं और जैसे ही मैंने नंबर ऑन किया वैसे ही कॉल आ गई है। 03216603 इज द नंबर टू कॉल। तमाम लोग कॉल कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने कल कॉल कर लिए बराए मेहरबानी अपने आप को जहमत ना दें, आज दूसरे लोगों को मौका दें ताकि उनसे बात हो जाए। लेट्स सी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? कनीश के अब्बू करम है बेटा, उंगलियां दुख जाती हैं मेरी तो, पूरियां छोड़ते छोड़ते। अरे अरे, और सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। आप बताइए, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? करम जुमा मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, और जुमा मुबारक आपको भी। कल मेरा जनरेटर मारा से फसल से। अच्छा, लाइट जो है बहुत परेशान कर रही है। अच्छा, रेडियो बंद हो गया, मुझे सौ सुनना है फराना का, इसलिए आपको 10,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। छोटा जनरेटर मंगवाया हाउ स्वीट, चार्जिंग के लिए। चले, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। और सब सही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अंकल अपनी दुआ में याद रखिएगा। नींद अभी भी सो रही है बेटा? अच्छा, सो रही है अभी भी? अच्छा अच्छा, चले उठ जाएंगी तो फिर वो आ जाएंगी, शो सुन लेंगी। सही है, चले जरूर। बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हाफिज हाफिज। ओके जी, चले जी एक मजीद कॉल को शाम करते हैं। लेट्स सी के कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, आई गेस के आवाज मुझे नहीं आ रही है। अच्छा जी, राशिद फरीद कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब में आवाज आ रही है। चलो जबरदस्त होकर रिजवान कह रहे हैं, इश्क में क्या रखा है, जरा इंसानियत की भलाई के लिए काम करें। फिर पता नहीं क्या और कुछ कह रहे थे, कामना शाकिर अभी मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज भी नहीं आ रही, तस्वीर भी नहीं आ रही। शाकिर कह रहे हैं जी जी बिल्कुल, आप ना सुबह सबके कमेंट्स बढ़ रही हैं। हाँ जी, सबके कमेंट्स बढ़ रही है। कह रही हैं अभी मैंने ना इश्क नहीं किया, तौबा तौबा, इश्क में क्या रखा है, बस दुख रोना यही तो है, हैं? अच्छा सच में, ना करो यार ऐसी बातें ना करो। अच्छा जी, मामा शायद आ रही, कह रहे हैं आज आपकी आवाज आ रही है, टॉपिक आवाज आ रही है आज। वैसे टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक आपने बताया भाई, साइंस की कौन सी ईजाद ने आपकी जिंदगी को बना दिया है आसान। निशान काकड़ कहते हैं क्या करूं, 1.5 साल से स्टडी नहीं करता हूं। कोई बात नहीं बेटा, कर लो दोबारा। शायान कह रहे हैं नाइस सॉन्ग गया था, सच्ची जरा देखना चाहता था, बर्दाश्त कितनी है दुनिया को सुनने की, जरा भी नहीं। बस कर दो बेटा, ये वाली बात है, बोंगे तो तुम मारो नहीं, ये ड्रामे ना बेटा हमारे साथ आके तो करो मत, ये वहां करो बेटा, ये बच्चों वाली बातें वहां करो जाके जहां बच्चे हो, सही है ना? मैं तो पहले कहा मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा जी, और साथ साथ जब इन लोगों की हैप्पी बर्थडे हो जाती है ना, उसके बाद ओहो आपने तो बहुत अच्छा सॉन्ग गाया था, हम तो ऐसे चेक कर रहे थे, ओ माय गॉड, लिटरली लाइक सीरियसली, ना करो ऐसी बातें, ना करो सच्ची में। अच्छा जी, ओके, और साथ साथ रिजवान कह रहे प्लीज कन्वे माय रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल सलाम टू योर बिलव्ड होली पेरेंट्स। ओके चलिए जी, बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। क्या कह रहे हैं, फर्स्ट टाइम अटेंडेंस है आपके शो में, वेरी नाइस चैलेंज, जबरदस्त क्या कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मैकेनिकल आरजे मैकेनिकल आरजे। हाँ देखिए, मैं सबके जो है ना मैकेनिक्स ठीक कर देती हूँ सबका मैकेनिज्म ठीक कर देती हूँ। मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिज्म ठीक कर देती हूँ, सही मैकेनिक्स तो वो होते हैं जो ठीक करते हैं। तो बिल्कुल जी, बट आई एम नॉट मोड मैकेनिक, वो किसी और ने नाम लिया हुआ है इसलिए मैं नहीं ले रही भाई। वो कही ये तो मुझे कॉपी कर रही है, इसलिए भाई फरहाना किसी को कॉपी नहीं करती, सीधी सी बात है, लोग फरहाना को कॉपी करते हैं। अच्छा जी, और जाके जी हाँ मैडम, ऐसा ही है, रोज रोज खराबी, रोज रोज खुद ही ठीक करना, मुझे लगता है कि आप कुछ दिनों में ना अपना रेडियो खोल सकती हैं इंशाल्लाह। हाँ भाई, मैं आपको एक रेडियो स्टेशन में डालूंगी, फिर उसमें से ना मैं चूज करूंगी किस किस को रखना है, सही है? चले करते हैं, ये भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे मिजाज हैं? मेरे मिजाज बहुत ही बेहतरीन है, आप बताइए। रमजान मलिक साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? मजे में हैं?
अल्लाह का बड़ा करम। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बेहतरीन। खुश आमदीद आपको। बहुत धन्यवाद जी, आपको भी खुश आमदीद। आज आपको प्रोग्राम में रेडियो पे सुन रहा हूँ। अरे कराची आ गए आप क्या बात है, रेडियो पे सुना। अच्छा ये बताइए, अब आप कराची आए हैं तो कराची और मुल्तान की गर्मी में कितना फर्क है? अच्छा आपको शायद काफी दफा मैंने पहले भी अर्ज किया हाँ कि मुल्तान वैसे गर्मी के हवाले से बदनाम हो चुका है ना तो मुल्तान से ज्यादा गर्मी और बहुत से शहरों में, आप टेम्परेचर मुल्तान और सिब्बी का भी चेक कीजिएगा, आप फिर फर्क बताइएगा आने और बताइएगा। अच्छा। सिब्बी कराची में गर्मी इसलिए मुझे कम महसूस होती है या आप लोगों को, यहाँ हवाएं चलती रहती हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। और मसलन आप कहीं भी ठहरते हैं और दूसरी तीसरी मंजिल पे आप लोगों का कमरा होता है मिसाल के तौर पर, खिड़कियां खुली होती हैं, तो एक दफा तो मैंने ऐसा भी देखा कि मैंने तुरबत जाना था और मैं बदर कमर्शियल में ठहरा हुआ था समंदर के किनारे। अच्छा। और जो कमरे की खिड़की थी वो समंदर वाली साइड पे थी ना। जी जी। और मैं खाना खा रहा था और रोटी छावनी में पड़ी थी, मैं अपने ख्याल में खाना खा रहा था, ऐसा हवा का झोंका आया कि रोटी छावनी से उठा के ले गया वो। अच्छा। के नीचे के जी जी तेज हवाएं यहाँ, तो गर्मी तो जहर है जी होती है लेकिन हवा चलती है तो इसलिए कम महसूस होती है गर्मी, क्योंकि मैं मुल्तान में गर्मी कराची से ज्यादा समझता हूँ। ज्यादा होती है ना वही, क्योंकि कराची में समंदरी हवाएं चल रही होती है। बिल्कुल सही है, ठीक है। और आप खैर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और कल मैं कॉल मिलाने की कोशिश करता रहा। जी जी। तो माजरत के साथ मैं एक लाइन कल के हवाले से। जी 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 प्लीज प्लीज प्लीज। कि वो आपने फरमाया था ना भी किताब में कोई ऐसी लाइन हो जो जी 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 आपको बहुत पसंद रही है, तो एक किताब में मैंने पढ़ा था कि एक लड़के ने अपने बाप से पूछा कि मर्द जो होता है वो उसको कैसे मालूम हो मर्द को वो सही है दुरुस्त है या गलत है ना। और हर मर्द अपने आप को गलत नहीं कहता, दुरुस्त समझता है। सही। तो बाप ने जवाब दिया कि जब तुम्हें ये चीज मालूम हो और तुम बिल्कुल फुल जजमेंट करो कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटी को तुम्हारे जैसा मर्द मिले, समझो तुम दुरुस्त, समझो तुम दुरुस्त हो। सही। अगर फिर अगर ये महसूस नहीं करते तो फिर अपने आप को संवार दो। सही। तुम फिर दुरुस्त नहीं हो, ठीक हो गया। ये किताब में मैंने पढ़ा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और फरहान अली साहब सुना है आपको, शायरी पसंद नहीं है क्या? वजह कुछ भी नहीं है, देखिए हर किसी का इंटरेस्ट होता है। मेरा जो है वो, मैं जो शायरी मुझे पसंद है ना वो गानों में शायरी अच्छी हो बस। ये जो ये वाली शायरी होती है बस ऐसे ही नहीं है लगाओ, होता है कुछ लोगों को नहीं पसंद होती, कुछ लोगों को बहुत अच्छा, ज्यादा पसंद अच्छा, होती है। आपको आपको दो लाइनें सुनाता हूं। जी 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 प्लीज। और फिर फरमाइएगा भाई पसंद है या नहीं। जी जी। के बड़ी मुश्किल से नीचे बैठते हैं, बड़ी मुश्किल से नीचे बैठते हैं जो तेरे साथ उठते बैठते हैं। वाह। अब उठना पड़ा ना अगली सफ से, अब उठना पड़ा ना अगली सब से, कहा भी था कि पीछे बैठते हैं। वाह वाह क्या बात है, वाह जबरदस्त। टेल करता एक दफा फिर सुनाओ। बड़ी मुश्किल से नीचे बैठते हैं जो तेरे साथ उठते बैठते हैं, ठीक है। अब उठना पड़ा ना अगली सब से, कहा भी था पीछे बैठते हैं। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। नहीं मुझे शेरो शायरी समझ आती है, ऐसा नहीं कि समझ नहीं आती है, समझ आती है मुझे, सब समझ आता है। बट ये कि मेरा इंटरेस्ट है नहीं शेरो शायरी में, बात ये सारी नहीं। ये आप बार दफा आपको जो शायरी मिल रही होती वो शायरी भी तो हम जैसे लोग भेजने वाले होते हैं। अरे नहीं आप तो फिर काफी अच्छी जो है ना वो शायरी सुनाते हैं हमें, लेकिन यहाँ पर ये है कि कुछ लोग वो एक ही एक मखसूस क्या कहते हैं उसको, एक मखसूस हिस्से में ही रहते हैं वो शायरी के। चले फलानन से कुछ जाते हुए मैं दो शेर और चले जी सुना दीजिए मुझे। मैं अच्छा मैं बोर नहीं होंगी लेकिन हाँ मैं किसी मुशायरे में जाके जरूर सो जाऊंगी, ये मुझे पक्का पता है। नहीं अब जो मैं शेर गोश गुजार करना चाह रहा हूँ। हाँ जी प्लीज प्लीज प्लीज। अंधेरा जिसकी फितरत है उसी के घर उजाला क्यों है,
अंधेरा जिसकी फितरत है उसी के घर उजाला क्यों है, अमीर शहर के मुंह में गरीब का निवाला क्यों है। सही। यहाँ एक दूसरे पर जब भरोसा सब ही करते हैं, यहाँ एक दूसरे पर जब भरोसा सब ही करते हैं तो फिर ये रात में मस्जिद के दरवाजे पर ताला क्यों है। क्या बात है, खूबसूरत बात, कीमती वक्त अता फरमाया आपने। बहुत शुक्रिया आपका ही, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। ओके, अच्छा जी, और मोहम्मद शाहिद आ रहे हैं, कह रहे हैं बेस्ट बेस्ट बेस्ट। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रिजवान को बीजीएम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। चलें जी एक मजीद कॉल को शामिल करते हैं। लेट्स सी कि कौन है हमारे लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आमना? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए, आप कैसे? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? मुझे तो फीवर है आपकी, आपकी आवाज से पता चल रहा है। आपकी अम्मी ठीक हैं? आप गेट वेल सून, और आप दोनों के लिए भाई। जी बिल्कुल, अम्मी तो ठीक है, बस मैं भी ठीक हो जाऊँ। इंशाल्लाह सही हो जाएंगे, अपना ख्याल रखिए, और यू नो जरा फालतू चीजें ये जो होती है ना बाहर की चीजें, इनसे जरा परहेज करें। नहीं मैं तो खाती हूं ना, बहुत अच्छी बात है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, लोगों को लगता है कोल्ड ड्रिंक पीकर ना बड़े हम एनर्जाइज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक ग्लास में 10 चम्मच शुगर जो है ना होती है, जो आपकी बॉडी में चली जाती है एक साथ, जो कि बहुत ही जहर है आपके लिए। जी बिल्कुल, मैं तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, मैं जूस पीती हूं। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। तमाम सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक आपको भी। जो मुबारक, खैर मुबारक, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी। टॉपिक ये है भाई, आपने बताना है साइंस की कौन सी ऐसी इजाद है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी आसान हो गई है? मोबाइल की वजह से बहुत आसान हो गई, बहुत दूर जो बैठे होते हैं दूर मेल बिना रास्ता हो जाता है। सही हो गया, और वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका यूज करें या मिस यूज करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हर चीज करना मिस यूज नहीं करना चाहिए, अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। सही, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और सेकंड टॉपिक क्या है? सेकंड टॉपिक है इश्क में क्या रखा है कमाल। अरे अल्लाह जी, इश्क में वैसे रखा क्या है जी, आप बताएं। मैं क्या बताऊं? चला ये सवाल उल्टा आप पे, मैं क्या बताऊं, मुझे क्या बता? आपको पता होगा ना, आप तो टीचर है मेरी। मुझे नहीं पता भाई, मुझे क्या बता। रही ना, चले बता देती हूँ मैं आपको। हाँ, रही ना ताकि से गुफार। अच्छा, तो भी तो अच्छा तो कहे कि चलो सही हो गया, जबरदस्त हो गया। चलो लड़की, वालेकुम अस्सलाम, अपना ख्याल रखो लड़की, ठीक है, जल्दी से ठीक हो जाओ, अल्लाह ताला आपको सेहत याबी था, फिर मैं आमीन। और इतनी मैंने कॉल की ना 3 दिन लगातार, आपकी कॉल क्यों नहीं लगी, हैरत है मुझे, आपकी तो कॉल लग जाती है। मैंने पेटी सेल पे ना कॉल की थी, आपने रिसीव भी की, मैं पागलों की तरह हेलो हेलो करती रही। अच्छा, मुझे भी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ आई नहीं रही थी ना आपकी आवाज, मैं हेलो हेलो कर रही थी, बंद हो गया फिर। सही हो गया, चलें ठीक हो गया। क्या इशू हो रहा है, कॉल करते रहो, उठाती भी नहीं, आप बिजी हो जाती हैं। अरे नहीं, पढ़ने में लग जाती हैं। अरे बस वो सबको देखो, सबको टाइम देना ना, कॉल्स को भी कमेंट्स को भी, तो इसीलिए तो बस ये तो... मिलाते मिलाते बीमार हो गई। चलो अब चलो ये 2 दिन आराम कर लेना, अब हफ्ते तुम्हारी छुट्टी है। नहीं नहीं, अब ठीक हो जाऊंगी। हाउ स्वीट, चलो सही है, अब तो ख्याल रखना हम ना, सही है, चलो चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके, आयशा कह रही है फरहाना अभी मैं कॉल कर सकती हूँ। हाँ जी, कर लीजिए कॉल। और इसके अलावा मसूद साहब कह रहे हैं कि हाँ हाँ स्टूडियो में जिन है और जिन की बच्ची भी है, वो आगे फौरन ले जाए अमर की हमराज। ओके जी, ओके 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 ओके, अच्छा जी, और चले एक मजीद कॉल को शामिल करें। फात कह रहे हैं कि रेडियो पर अच्छी आवाज, रॉबचिंग सॉन्ग में आपकी वॉइस सुनकर ना एक और दफा कुछ क्या हैं, कुछ कहने को दिल चाह रहे हैं, क्या कहेंगे भाई। और साथ साथ मोहम्मद शाहिद आ रहे हैं, कह रहे हैं कि चीज़ें कहाँ खूबसूरत होती हैं, यादें खूबसूरत होती हैं, लम्हे खूबसूरत होते हैं, और कुछ लोग भी, जो बात है ये किसने कहा कि चीज़ें खूबसूरत होती हैं, ऑफकोर्स मेमोरीज और यू नो लोग खूबसूरत होते हैं, और कुछ लोग वाकई बड़े खूबसूरत होते हैं। अगर आपका दिल खूबसूरत है ना, आपकी आँखें देखने वाली खूबसूरत है ना, आपको हर चीज़ में खूबसूरती नजर आएगी, सीधी सी बात है। अच्छा जी, जलन जी, लेट्स सी कि कौन है हमारे लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खुशी आ गई तुम, खुशी खुशी खुशी।
हाँ जी, कैसी हो फराना? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। आप बताइए, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, क्या हाँ तो सही है ना। कुछ और बताओ, क्या हो रहा है लड़की? अच्छा नहीं, बस शो सुन रही हूँ टाइम से आज। सही। आज आज तुम सुबह उड़ गई? रमजान में तो तुम 1 घंटा लेट आती थी ना हमारे शो में, है ना? तो क्या कर दी? हाँ क्या कर दी, 10 बजे और 9:30 बजे मेरी आंखें खुल गई थी, अच्छा ऑफिस के बाद मैं ट्यून कर रही थी। चलो सही है। हाँ तो बताओ क्या कहोगी, कौन सी क्या साइंस की कहूँ? ऐसी इजाद है जिससे आपकी जिंदगी आसान हो गई है? अरे साइंस ने तो ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी बताती है कोई एक हमारी बता दे, लाइफ ही आसान हो गई। कोई एक कोई बता दे। नहीं, बहुत सारी बहुत सारी चीजें है हैं, ना, गीजर सब एक है, एक बता दे। गीजर है गीजर और है, ओवन है अच्छा। और वो डिस्पेंसर है, उसके अलावा मोबाइल है, ये पंखे हैं। हमारी लाइफ बहुत, अल्लाह का सही शुक्र है बात है। बहुत ज्यादा। ये एसी और पंखे, इन्होंने तो एसी जिंदगी नहीं ऐसी है, आसान अभी बनाई एसी है ना। नहीं है, ओहो वाह वाटर वाह, कूलर है। वाटर कूलर सही है। वो बहुत वाटर अच्छी चीज है पराना, वो कूलर, बहुत अच्छी अच्छा चीज। सही हाँ है। वाटर कूलर, अब हम यही बोलेंगे वाटर कूलर। वाटर कूलर नहीं नहीं, वाटर कूलर। नहीं वाटर कूलर। आप अच्छा मजाक उड़ाती है। मैं मजाक करती हूँ, मजाक उड़ाती नहीं हूँ। बात हो गया। नहीं बात, अच्छा मजाक करती हूँ। और बताओ। अच्छा और रुबीना नहीं आई? वैसे मैंने कमेंट में सुना। नहीं रूबीना अभी तक तो नहीं आई है, अच्छा क्यों? पता नहीं, काली बिरयानी बनाने में मसरूफ होगी। गर्मी में ज्यादा अच्छी बन जाती होगी ना काली बिरयानी। वैसे ये काली बिरयानी कैसी बनती है, ये रेसिपी तो बता दे, मैं मसाला ज्यादा समझी डाल नहीं। दो, गरम मसाला भर भर के डालो। कोई बात नहीं, गरम मसाला तो ठीक, उबालते हुए डालते हैं। अच्छा चलो सही है। और बताओ, और कुछ कहोगी? और क्या क्या है वो इश्क, दूसरा टॉपिक जो इश्क में आपको क्या बहुत रखा है ज्यादा, कमाल? ये आप बहुत ज्यादा रख लिए थे, पता नहीं आपने इश्क में आपने पता नहीं क्या रखा है। मैंने क्या रखा है इश्क में भाई? है, हाँ मैंने कहा यार यही कुछ टॉपिक तफरी वाली होती है। बातें करते तो मैं, किसने बोला कि हर सीधी दो सीधी बातें महीने बाद, करो? 1 महीने बाद ना यही टॉपिक होती है, बस इश्क कर में दो, क्या खुदा का रखा खौफ है। करो। इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलो यार। अब ऐसे तो मैंने कभी नहीं किया, हर 1 महीने बाद 2 महीने बाद कब रखा है ये मैंने? अच्छा तो टॉपिक सुन ले, इश्क हाँ में क्या रखा है कमाल। हाँ अरे खूब इंजॉय करो। अच्छा हाँ और अच्छा क्या है, चलो सही है, इश्क तो पागल ही करते हैं। चलो ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा पुराना वो एक सॉन्ग है, वो लगाऊंगे कौन सा सॉन्ग है? विशाल रोकड़ी का, सराय नहीं, की। अभी सॉन्ग जो है ना अपनी मर्जी का हम लगाएंगे, बात ये, सारी कॉपीराइट आ जाएगा वरना। चले सही है, ओके चले सही। बहुत ओके, शुक्रिया, अपना अपना ख्याल ध्यान रखें। रखिएगा। ओके 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 ओके, ओके, थैंक यू सो मच फॉर अल्लाह कॉलिंग। हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज जी। और इसके अलावा about a month and 20 days, and we're going round and round playing silly games. Now you're saying slow it down, not right now. Then you wink at me and walk away. Ye kya kiya main betab ho gaya? Oh, long time. Tere bina mujhe nahi jeena. Kya ye hi pyar hai? Ban jao tum. Mere sanam. On Saturday, you're acting like a diva, saying you don't wanna pay. It's gotta be your feisty style, raise that brow. I love it when you look at me that way. Now we're in your order, a mojito at the bar. All right, और भाई अब हम अकेले नहीं हैं, और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो एक और आरजे जिनका बहुत जल्दी आप शो सुनेंगे ZUFM 98.2 पर इंशाल्लाह। सो हमारे साथ मौजूद हैं आरजे खावर, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हो? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो। आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या चल रहा है? बस मजे और बातें चल रही हैं।
कॉल्स हैं हमारे साथ साथ, लिसनर्स की कॉल्स आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत कॉल्स है। कॉल्स में तो ऐसा रश है कि लोग कहते हैं कि भाई आपकी कॉल ही नहीं मिलती, 6 महीने से लोग कॉल मिला रहे हैं और लोगों की कॉल ही नहीं मिल रही है। दैट्स गुड एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन आउट देयर, क्या हाल है सबके। अच्छा तो आप जो है वो ZU FM 98.1 कौन कौन से आरजेस को आपने अब तक सुना है? अभी तक मैंने आरजे सजल को सुना, मैंने तुम्हें भी सुना, मैंने हुमैरा को भी सुना, और अभी लास्ट मैंने शो किया था क्या नाम है उसका, जवार के साथ। ठीक हो गया, आरजे जवार के साथ मैंने शो किया था, जबरदस्त। तो अच्छा जी, तो मतलब आपको जो है वो कैसा लगा यहाँ पर शो उनके साथ करके? इट्स गुड एनवायरनमेंट, बेस्ट मैनेजमेंट और बहुत ही साफ सुथरा एनवायरनमेंट है, और साथ साथ आरजेस भी बहुत अच्छा बात करते हैं, तरीकेकार है, और जिस तरह के पैगामात और जो हमारी यूथ को मैसेजेस डिलीवर करते हैं अपनी खूबसूरत आवाज और अंदाज में, क्या ही बात है, जबरदस्त हो गया। तो चलिए जी, हम बात करेंगे बिल्कुल आरजे खावर से भी, और आप लोग के कमेंट्स को भी साथ साथ शामिल करेंगे, और एक कॉल को शामिल कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं कि कमेंट्स हम शामिल करेंगे। कहां से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हाल बहुत अच्छा है, आप बताइए आप कैसे हैं? शाम ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जवार नहीं है आरजे खावर है। हाँ जी, चलो नाम समझ में आया ना, जिसमें थोड़ी डर होता है। हाँ जी बिल्कुल जी, हाँ जी, काफी दिनों बाद कॉल लगी, आप बताइए कैसे हैं? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मतलब का टॉपिक याद होगा जरूर, है ना? बताओ। मेरे मतलब का तो रहे ही नहीं ना, मैंने वो मतलब का। अच्छा, अब ये पता चल जाएगा जब तुम टॉपिक पर बात करोगे तब पता चलेगा कि कौन सा तुम्हारे मतलब का है। हाँ बताओ। पहले वाला रिपीट करें? नहीं मैं रिपीट नहीं करूंगी, पहले तुम बताओ कि तुम कौन सा वाला टॉपिक पर बात करोगे, कौन सा तुम्हें याद है? भाई दूसरा वाला याद है। हाँ तो बताओ ना, बताओ आप ही एक तो फोन मिलाने में जहन से बताओ। नहीं नहीं बताओ, ये था दिल, दिल से कुछ था ना। हाँ हाँ बताओ, दिल से क्या था? गुर्दे फेफड़े सब था, बताओ। दिल से कुछ था, दिल से प्यार था, दिल से खत्म। अच्छा तुम ये बताओ कि कौन सी ऐसी ईजाद है साइंस की जिससे आपको लगता है आपकी जिंदगी ना बड़ी आसान हो गई है? बहुत सारी चीजें हैं लेकिन कोई आपने एक बतानी है। मैंने वो जगह जगह पे काम करा पूरे कराची में, और माशाल्लाह यही चीज मेरे को अच्छी लगती है कि साइंस की बहुत आसान हो गई है, लोग काम कर सकते हैं अगर करने वाले हों। अच्छा ये साइंस की याद है, वाह वाह क्या रॉकेट साइंस है आपकी तो। ऑनलाइन अभी ऑनलाइन बहुत बिजनेस चलता है। अच्छा ऑनलाइन मैंने कहा है तो। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक हो गया ठीक हो गया। और इसके अलावा कुछ कहोगे, खबर से बात करोगे कुछ? खबर भाई आए हैं, खबर भाई जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? ठीक है खैरियत से? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम नॉट जवार, आई एम आरजे खावर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्या ही बात है, बड़ी अच्छी साइंस का आपने जवाब दिया। बिल्कुल लेकिन आपके शो में अक्सर मैंने कोशिश करी है कॉल करूं और सुनूं लेकिन टाइम बहुत कम होता है और नहीं मिल पाता है। बिल्कुल आप जल्द सुनेंगे मुझे इंशाल्लाह ताला, एक सरप्राइज है नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। ये जवार नहीं है, खावर है, अभी वो शो स्टार्ट करेंगे। हाँ अभी अच्छा कहाँ पे बात हुई थी भाई? हैं ओह दैट्स रियली गुड के बात कर चुका हूँ अगर मैं आपसे, तो नाइट शोज में करता हूँ। हाँ मैं फेसबुक लाइव जरूर करता हूँ, माइट भी कि आप मुझे वहाँ देखते हो सुनते हो डेफिनेटली। तो इसके साथ मजीद मैं ZU FM 98.2 का एक पार्ट हूँ, और डेफिनेटली आई विल डू माई शो नेक्स्ट वीक ऑन वेडनेसडे, तो मस्ट लिसन भाई, सुनना है ठीक है? चले जबरदस्त हो गया एहतिशाम, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपना ख्याल रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अच्छा जी फहद कह रहे हैं कि डूड कैंसर का बता देना, डूड लिटरली लाइक सीरियसली आई एम नॉट योर डूड बे, भाई क्या हो गया है? इतना फ्री नहीं होते बेटा, जरा कम फ्री हो अगर। आगे बल करेंगे, बाबा जी तालियां, वाह शेर वाह, कौन सा शेर, मैंने तो कोई शेर ही नहीं सुनाया, शेर से तो लेना देना ही नहीं। आप तो समझ कह रहे हैं कि फेसबुक पर वॉइस क्यूट आ रही है, नजर आ रही है कि क्यूट आ रही है, हद हो गई है यार। चलिए कॉल को शाम करते, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप, खैरियत से हैं? बस शुक्र है अल्लाह का एहसान है कि आप जैसे कौन है, हम जैसे ना करें क्या इतने टाइम से कहाँ गायब थे आप, फिर बताए ना, हमने सुना बड़े नाराज हैं आप, हमारे तो फरिश्तों को भी पता नहीं है आप नाराज हैं। अरे बाबा क्या भी तो नाराज हो लेने का, जख्मी कर दिए हमने, क्या फूल मार के जख्मी कौन होता है भाई? अरे क्या मैं बोला, पत्थर मार मार के मेरे को जख्मी ना करें। देखिए हम तो भूल बिगेड़ते हैं, हम कहाँ पत्थर वाले लोग हैं।
इतने ज्यादा फूल फूल मत बन जाने का है नाजुक के कुछ तोड़ के लेके भाग जाता। नहीं अब ऐसे भी नहीं है, साथ साथ कांटे भी रखे हुए हमने इतने सारे देखे ना, आपको पता नहीं आगे लोग कैसी बातें करते हैं। अरे कैसी बात कर ले रहे हैं, क्या खावर को तुम काटा बोल ले रहे हो? मैं खावर की बात ना करे, मैंने खावर को कुछ बोला नहीं, बीच में मुदाखलत कर दी है, मुझे काटा आपने कहा। कॉल ड्रॉप हो गई ऐसी बात पे, देखिए गलत बात पे ये होता है दादा साहब। देखें वो क्या कहते हैं कि चले छोड़े कुछ भी कहते हैं, अभी तो एक कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे मजाज हैं फराना जी? मेरे मिजाज बहुत ही आला है, आप बताइए आप कैसी हैं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं साहिबा? मैं बिल्कुल ठीक, वही मैं हूँ और वही रब की शुक्र गुजारी, और आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह सारी कबूल फरमाएगा। आमीन सुम आमीन आमीन आमीन। लो जी हम ले आए ढेर सारी मोहब्बत सच्ची सच्ची। खोलिए बटारा अपना। हाँ खोल लिया। तो सबसे पहले तो है कि इश्क में क्या रखा है। हाँ जी। अरे मैं कह रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ मोहब्बत में ऐसा क्या है मेरे और आपके बीच, आप सबके बीच और 98.2 के बीच, कि इतनी मोहब्बत किस तरह, मतलब हमें है कि कल मैं उमेरा के प्रोग्राम के लिए 11 बजे से लेके 1 बजे तक, हालांकि लाइट है पर एयर कूलर करके बैठी रही। अच्छा वाह क्या हाँ, बात है। तो ये हाल आपसे मोहब्बत का है, बाकी वाह 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 क्या बात है। तो मैंने कह दिया, दूसरा टॉपिक इरशाद कीजिए। हाँ जी, साइंस की इजाद बता दीजिए जिसने आपकी जिंदगी आसान बना दी मोबाइल फोन के अलावा। ये एक तो ये रेडियो। अच्छा रेडियो ठीक हो गया, क्योंकि ये भी तो इजाद है। जो बात है जो बात है जो बात है। फिर मोबाइल आप कह रही है नहीं, लेकिन मोबाइल जरूरी है। मैं फिर आपसे बात करती हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मोबाइल कुछ अजाब नहीं बन गया लोगों के लिए अब? नहीं बन गया। और वैसे भी ना आपने ये भी देखा होगा मेरी फराना, हाँ जी, के मोबाइल और टेलीफोनों के पीछे खुफिया आपस में गुफ्तगू होती है। गुफ्तगू होती है, कौन पूछ रहा है। अच्छा और बड़े मजे की। अरे आजकल तो फोन ऐसे हैं कि भाई सब आवाज सुन लेते हैं, आप बात करें कान पे लगा के, सारी जितने चार लोग बैठे हैं सबको सुनाई देगा अगला बंदा क्या बात कर रहा है। हाँ और दूसरे ये कि ऐसा भी है कि कई लोग क्या करते हैं, जो फोन कर रहा है ना उसके दूसरे कान में आके बोलते हैं, लेकिन मैंने महसूस किया कि जो फोन से सुन रहा होता है उसके कान में उधर से दूसरी आवाज पहुंच जाती है। अच्छा सही है, ये आज भी कभी करके देखिएगा। अच्छा चले सही है। दूसरा ये मैं अरूसा से कहना चाहूंगी, हमारे मसूद अहमद साहब नहीं सुन सक रहे तो उन्हें अपने नेट पर ले भाई। देखिए जो भी मसला है ना वो मसूद साहब की तरफ से मसला है, क्योंकि हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है। अच्छा नहीं तो अपने उस पर ले लेना उन्हें, जिस तरह आप लोग नेट पे एक दूसरे को लेते हो। हैं पता नहीं हमारे पास नहीं वो सिस्टम, हमें नहीं पता। अच्छा वो कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं की ना हमने, इसलिए हम नहीं ले रहे। चले हमारे साथ खावर भी मौजूद है, खावर से कुछ बात करना चाहेंगी। खावर आरजे खावर बहुत जल्दी आपको सुनाई देंगे। हाँ तो सुनाई दे तो फिर बात करेंगे ना। बिल्कुल जल्दी दिखाई भी दूंगा। क्या हाल आपका, कैसी है? वेलकम कहती हैं आपको। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत सुनी है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप बताएं कैसी रही ईद आपकी, सब खैरियत है घर में? सब खैरियत है, बात कर रही हूँ। मैंने कहा आपसे तारुफ भी हो जाए, और बहुत अच्छा आवाज माशाल्लाह, अल्लाह ने सबको खूबसूरत दी है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कुछ कुछ संभालने का हुनर आना चाहिए हमें और अल्फाज का, बिल्कुल। तो वो सब आपसे ही हम लोग सीख रहे हैं जनाब, और फिर आपके प्रोग्राम में हम जरूर आएंगे, आप जरूर मेरा ख्याल वेलकम कहेंगे हमें। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपका भी वेलकम, जबरदस्त हो गया साहिबा, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ जी जी फराना, ये मैंने पूछना था अपना, जरा ये टाइम टेबल बता दें कि नए कॉलर के लिए आपने क्या रखा हुआ है। अच्छा मैं बताती हूँ, चलो ऑन एयर बता देना, चलो मैं बताती हूँ, बहुत ज्यादा वेलकम, चले जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, लाफेज लाफेज, ओके। अच्छा जी तो खबर ये बताइए कि आप किस तरह का शो करेंगे? फास्ट लेके चलता था, और यहाँ पर अभी तो स्टार्टिंग है, कोशिश है कि फास्ट और थोड़ा एनर्जेटिक लेके चलूँ, और कोशिश करूँ कि हमारे यूथ को जैसे आप सुबह सुबह जगाती है मैं शाम में जगाऊँ। अच्छा जाके वो को मजीद जगाएं कि वो जाके रात को सो जाए, सही है? हाँ ऐसा ही करना। अच्छा तो मतलब वो कंटेंट किस तरह का आप अपने शो में शामिल करेंगे?
सरप्राइज है, ठीक है? है, और तुम भी सुनोगी अच्छा लगेगा, और तुम लोगों के फीडबैक्स भी चाहिए, और जितने भी इस पे कॉलर्स हैं, लिसनर्स हैं, इंशाल्लाह ताला मस्त सुनिएगा वेडनेसडे शाम 7 से 9 मेरा शो। जबरदस्त हो गया, बुध को आप 7 से 9 सुन पाएंगे आरजी खाबर को इंशाल्लाह, और एक बहुत ही एक अच्छा खुशगवार इजाफा है हमारे रेडियो एफएम 98.2 पर, और कमेंट्स बहुत सारे हैं, कमेंट्स को भी शामिल करते हैं, साथ साथ खबर से भी बातें करेंगे, और कॉल्स भी आ रही हैं, रोज़ा कह रही हैं आप ही कमेंट्स पढ़ लें स्क्रॉल हो जाते हैं कमेंट्स, ठीक है? हाँ ये बड़ा मसला है भाई, कमेंट्स स्क्रॉल हो जाते हैं। मसूद साहब कह रहे हैं कि मरीख पे आपका शो नहीं आ रहा हम जो है ना अपने एक सैटेलाइट वहाँ पे भी भेज देंगे, ठीक है? मरीख पर भी फिर हमारा शो आएगा, लेकिन सुनेगा कौन? एलियंस आके बलि करने पर। हाना जी आप सॉन्ग सुनाइए ना प्लीज, अच्छा लगता है कसम से। सॉन्ग मैंने जितना गाना था मैं गा चुकी हूँ। राशिद फरीद कह रहे हैं कि फरहाना अभी आप रेगुलर कॉलर की कॉल उठा लेती हैं। देखिए जिसकी कॉल लग जाती है उसकी कॉल मैं उठा लेती हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन कॉल कर रहा है क्योंकि यहाँ पर तस्वीर तो आ नहीं रही किसी की, ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाल बहुत अच्छे, आप बताइए राना इमरान मेरे भाई, ठीक है? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त हो गया। अच्छा अच्छा चले जी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जी बताइए। एक तो आपको पता है मुझे टाल मिलाने का इतना मसला होता है जॉब से, और दूसरा ये कि रोज निकल जाता। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी कल भी मिलाता रहा हूँ, आज भी मिला रहा था। कब्जे में रजा साहब आया था तो उन्होंने भी थोड़ी सी बात सुनी है मैंने, और मिलाने में जी जी उनकी भी कॉल ड्रॉप हो गई, अब शायद उनका बैलेंस खत्म हो गया, क्या हुआ? आई डोंट नो जी। हमारे खबर भाई भी आए हैं। जी 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 राणा सर, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह खबर भाई आपकी जो है आप सुना? परफेक्टली फाइन, बिल्कुल। क्या चल रहा है भाई, क्या हो रहा है? बस जॉब पे खड़े हैं, ट्रेडिंग कर रहे, मशीन चला रहे, और क्या। और वेदर तो बहुत जबरदस्त चल रहा होगा ना, बारिश हो रही है कराची में? कराची से गर्मी बहुत है यहाँ पे ना, हमारे अच्छा अच्छा हीट बहुत है यहाँ पे, ओवन चलते हैं ना। ओह चलें, अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया आपने मुझे याद रखा, और फराना का शो सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, दैट्स रियली गुड। तो बाकी राणा सिस्टर जी जी जी, हमारी बीजे मालो कहाँ गए आजकल? बीजे मालो को छुट्टी दी हुई आजकल ईद के बाद ही स्टार्ट हो गया। नहीं आ जाएंगे, लोग कुछ मसरूफ हैं, असल में ईद के बाद बहुत सारा एक साथ काम का लोड है, तो लोग बड़े मसरूफ हो गए ऑफिस में, ये वाला सीन है। और सागर भाई को कम्प्लेन करनी पड़ेगी मुझे। किस बात की कम्प्लेन करनी पड़ेगी? देखिए ये तो मेरे पास अल्लाह का करम है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, के इलेक्ट्रिक वाले ऊपर बिल भाड़े भाई, सारा सीधी सी बात है, ये मेरा कोई कसूर नहीं है। तो समझ नहीं आ रही होती। हाँ जी राणा सिस्टर कौन है, मुश्किल ही कौन है, आमना कौन है? अच्छा सबने मेरी टीवी लगाई हुई ना, क्या करे, चले खैर कोई नहीं। देखिए इसी को कहते हैं मोहब्बत, इन लोगों की मोहब्बत इनका प्यार है कि लड़कियों ने मेरी टीवी लगाई हुई है फेसबुक पर। मोहब्बत मोहब्बत तो हम भी करते हैं लेकिन हम लगा नहीं सकते। सीधी सी बात है, सही बात है, बट लगाने भी नहीं चाहिए भाई आप लोगों को, आप लगेगा भाई लो राणा कामरान की आईडी पे लगी हुई लड़की की आईडी, ओ सॉरी डीपी। हाँ जी अच्छा क्या नाम है उसका, टॉपिक पर बात करेंगे। हाँ जी बताइए। हाँ इस समय क्या रखा है? चुप करके घर में जा, जो रखा फ्रिज में रखा, जो बात है। वेल सेड वेल सेड। और इसके अलावा क्या कहेंगे? दूसरा टॉपिक क्या है आपके लिए? साइंस की इजाद, कोई एक इजाद जिसने आपकी जिंदगी आसान बना दियो। साइंस की इजाद जिसने जिंदगी आसान बना दी, वो तो ये ZUFM ही है, इसने ये इजाद बनाई, अच्छे अच्छे दोस्त मिला दिया। वाह क्या बात है, जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया ठीक हो गया। चले सारे इंजीन चले बहुत शुक्रिया राना इमरान मेरे भाई, अपना ख्याल रखिएगा, जरूर आपके लिए बहुत सारी दुआएं, जरूर जरूर। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला को बहुत खुश रखे, थैंक यू सो मच कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो रेडियो का इससे पहले कहीं है? फरहाना देखो मैंने ना काम किया है वेब रेडियोस पे, ठीक है? अच्छा। मैंने वेब रेडियोस के बाद मजीद और अब यहाँ पर हूँ ZUFM पे हूँ। वेब रेडियोस तुम्हें पता होगा इस बारे में कि हम अपने घर बैठे ही या मजीद स्टूडियो में जाके आराम से कैजुअल एक नॉर्मल सा शो करते, तो लाइफस्टाइल रेडियो था, फिर 24 आवर्स रेडियो इंटरनेशनल लेवल का रेडियो था, तो वहाँ पर भी काम किया, यूके बेस्ड रेडियो था, ठीक हो गया। तो बाकी इसके बाद मजीद फिर फ्रीक्वेंसी है और मैं आपके सामने इस वक्त मौजूद हूँ। जबरदस्त हो गया। तो वहाँ पर आप किस तरह के शोज करते हैं? वहाँ पर भी आप वो फन और ये एनर्जेटिक इस तरह का शो किया करते? कोशिश ये करता हूँ कि लोगों को रियलिटी बेस्ड जो शोज होते हैं ना, वो जो कॉन्सेप्चुअल हो, जो रियलिटी हो, लाइफ मोटिवेशनल, हाँ मोटिवेशनल कह सकती हो, ठीक हो गया। तो इस तरह के शोज करने मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं लोगों को जो है वो रियलिटी दिखाऊं और मोटिवेट करूं, तो मुझे अच्छा लगता है। साथ साथ मजीद
मस्ती मजाक चिट चैट फन ये सब चीजें सॉन्ग डेडिकेशन रिक्वेस्ट सब चलता है। ठीक हो गया ठीक हो गया। चलें जी लेकिन आपको यहाँ पर सॉन्ग रिक्वेस्ट जरा ना आप ले नहीं पाएंगे। हाँ ये वक्त बताएगा इंशाल्लाह कि कौन क्या करने वाला है ये तो क्योंकि यहाँ पे आप ले नहीं पाएंगे ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या होता है। रिक्वेस्ट वाला सीन असल में यहाँ पर हो नहीं पाता क्योंकि हमारी फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग जाती है और यहाँ पर होता है कॉपीराइट इशू। तो ये मुझे अंदाजा इस बात का। हाँ यहाँ तुमने एक अच्छी बात की कि कॉपीराइट के कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं बट मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग वो ट्रैक्स प्ले करते हैं हमारे तमाम वैल्यू लिसनर्स के लिए जो कि वो सुनना पसंद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और चलें जी कॉल्स आ रही है मुसलसल कमेंट्स भी मसूद साहब कह रहे हैं कि मैम नाम की तो ऐसी ही सेटिंग है कि अच्छा जी चैलेंज बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। अमावार शहजाद बहुत शुक्रिया कह रहे हैं कि फेसबुक पर आवाज नहीं आ रही है आ तो रही आवाज क्यों वेट कर रहे हैं फेसबुक पर सबको आवाज आ रही है। और रूसा खान बहुत शुक्रिया कह रही है कि अस्सलाम वालेकुम खावर भाई कैसे हैं आप। वालेकुम सलाम अरूसा क्या हाल है ठीक हो खैरियत से हो क्या कर रही हो क्या चल रहा है भाई। चैलेंज जबरदस्त हो गया बहुत शुक्रिया। अमीर शाह बहुत शुक्रिया कह रहे हैं सॉन्ग लगाएं पसूड़ी पसूड़ी सॉन्ग हमने कल लगा दिया था। और एजाज आफरीदी कह रहे हैं सॉरी आई एम लेट कोई बात नहीं इट्स नॉट टू लेट ओके। और लेट्स सी कौन है हमारे साथ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है आयशा कैसी आप ठीक है खैरियत से। अल्लाह पाक का करम है ठीक आप सुनाए कैसी हो। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जी खबर भी मौजूद है हमारे साथ। जी उस दिन भी भाई खबर से बात हुई थी भाई दवार के प्रोग्राम में। क्या हाल है आपके आयशा ठीक है। हाँ आयशा पूछ रहे हैं आपसे ठीक हैं आप। अल्लाह पाक का करम है ठीक। ओके तन अच्छी मुबशर कैसा है मुबशर ठीक है। क्यों कर अलग है ठीक आपको याद करते कहता है वो आप ही फरान अली फरान अली आज क्या बात है खुश होता है। अच्छा जबरदस्त हो गया जबरदस्त हो गया। और क्या कहेंगी। अच्छा वैसे आज मुबशर की आवाज नहीं आ रही है। वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है मुबशर। वालेकुम अस्सलाम मुबशर कैसे हैं आप ठीक हैं आप खैरियत से हैं। मैं ठीक हूँ। क्या कर रहे हैं आप। कलर अरे वाह क्या बात है कलर कर रहे हैं आप बिल्डिंग में कलर वाह वाह जबरदस्त। तो अच्छा किस रंग की बनाई है कौन सा कलर किया है। इतना बड़ा कलर किया है बड़ी पेंसिल से। अच्छा अरे वाह अच्छा सही है जबरदस्त हो गया। हाँ तो और कोई पोयम सुनाएंगे आज आप वाह जबरदस्त मुबशर वाह भाई क्या बात है भाई माशाल्लाह सो क्यूट। नाउ ही इज हैविंग अ वेरी गुड वॉइस माशाल्लाह क्या बात है मुबशर बहुत खूब। वाह वाह क्या बात है जबरदस्त हो गया जबरदस्त हो गया मुबशर। और कुछ कहेंगे आपने बोला था ना। क्या बोला था बोला था हाँ हाँ अच्छा मैंने कहा था मिलने आऊंगी चले ठीक है सही है इनशाल्लाह सही है आप मिलने आ जाइए आपका जब दिल चाहे आप आ जाए मुझसे मिलने सही है। पता नहीं आप गा रहे थे अब क्या पता अब मैं जेडी पे रहती हूँ 9 से 11 सही है यहीं पे आ जाए सही है ना। चले अपना ख्याल रखिएगा आयशा और मुबशर का भी ख्याल रखिएगा अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत ज्यादा खुश रखे। अल्लाह हाफिज हाउ स्वीट ओके जी। अच्छा जी मुश कह रही हैं कि पता नहीं फेसबुक को मेरे कमेंट्स के साथ क्या मसला है। कोई मसला नहीं है भाई कमेंट को और फेसबुक को कोई मसला नहीं है आपके कमेंट्स के साथ। लेट्स सी कि कौन है हमारे साथ कॉलर एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है शहजादे कैसे हो ठीक हो खैरियत से हो। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है खैर खैरियत है जी। आज तो फाइनली कॉल लग गई आपकी कितने महीने बाद। 1.5 से 2 महीने हो रहे चलो उस दिन रो रहे थे ना तुम
मसला ये है ना कि हम एक तो इतना टाइम निकालते हैं मशीन पे बैठ के कॉल अच्छा। करने की कोशिश करते हैं फिर तो फिर गुस्सा इस चीज पे आता है कि हफ्ते में एक कॉल बंदे की लग जाती है और फिर वो दोबारा दोबारा करता है ना हर दिन, तो फिर थोड़ा दिल दुखता है। भाई भाई ये कौन है, भाई ये कौन है, दो बार हफ्ते में जिसकी कॉल लगी ना आइंदा उसकी कॉल नहीं लगनी चाहिए। सही है, बस बस ले, मैं फिर कुछ बोलूंगा फिर सब दिल पे लेके बैठे होंगे। छोड़ो इन लोगों, अपना बताओ, खावर भी मौजूद है हमारे साथ। खावर भाई से तो बात होती रहेगी अब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसे ठीक है? वालेकुम सलाम सर, बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इतने दिल जले क्यों बैठे हुए, मूड अच्छा रखे ना सर। दिल जल जा शो में जो है ना, थोड़ा दिल जल जाता है इधर, दिल जल जाता है। किस क्या फराना ने कुछ किया है, किसने क्या किया? जबरदस्त, कुछ भी दिल की बात हो कर सकते हैं। अभी तो सवाल पूछने आपसे फराना ने, हम मौका नहीं देते सवाल पूछने का, पहले ही जवाब दे देते। वाह, ये जो बंदा है ना, लिख के सब चीजें नोट करके आता है ये शख्स। वाह जबरदस्त, गुड हो गया। सुन रहे होते हैं, देखते हैं आप कब आएंगे, मंगल के दिन, बुध के दिन? वेडनेसडे को मैं आऊंगा इंशाल्लाह, बुध वाले दिन, और शाम 7 से 9 बजे तक इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है सर, अच्छी बात है, सुनेंगे हम आपको भी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, और कॉल तो हम करते रहते हैं लेकिन बस मिल जाए तो बड़ी बात है। चलें, कॉल भी मिल जाएगी। कमेंट पे उस टॉपिक पे जवाब दे दे। हाँ जी जी, के इश्क में क्या रखा है गालिब, जो रखा है इश्क के बाद ही रखा है। अच्छा सही है, ठीक है, मजे का तो आंसर नहीं दे रहे तुम लोग, कोई ऐसा मजे वाला आंसर दो ना, जैसे पिराना इमरान देके गए। वो बकरा ही दारी ना, तुमने फ्रिज में कुछ रखा हुआ था कह रहे। उन्होंने तो फ्रिज में रखा हुआ था, हमारे तो फ्रिज ही खाली करके गए हुए। अच्छा हम क्या रखे उधर, चलो खैर है, कोई नहीं। और दूसरा क्या नाम है, साइंस की इजाद। हाँ जी, आप पबजी मत कह देना, यकीन करें यही जवाब आ रहा था। मुझे पता था, ये ना कि हम तो पबजी खेल लेते हैं, टाइम पास हो जाता है, किसी के साथ फालतू बातचीत नहीं, तो किसी को बुरी भी नहीं लगती। फिर बात है, हम भी जो है ना चौधरी के चांद बने हुए, कभी कभी दिखते हैं, सही है, एक ही दिन दिखते हैं, तो दोस्त यार बोलते रहते भाई तू तो चांद बना हुआ है, कभी कभी ये बोलो कि जिस दिन मोबाइल से पबजी डिलीट हो जाएगा ना, उस दिन तो फिर देखो चांद 14 पूरे महीने निकला रहेगा। मेरी आदत है, मैं दोस्तों यारों में बैठता नहीं हूँ, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है कि एक दूसरे की बुराई कर रहा होता है, जो बात है की बुराई कर रहा होता है। अरे लोग तो भाई, मैं बताऊँ आपको कि लोग आगे पीठ पीछे बुराई करके जाएंगे, मुंह पे आके ऐसे मीठे भरेंगे कि बस आइए आपसे अच्छा कोई है नहीं। आपको मैं एक बात बताता हूँ, मेरे एक ने बुराई की ना, एक दोस्त ने, दूसरे ने मुझे आके बता दी, मैं उसके पास गया, मैंने उसको बिठाया, मैंने बोला तूने मेरी ये बात की है? बोलते हैं हाँ की है। मैंने बोला एक दो और लगा के बोल देता, मेरे को क्या मसला होता है। देखिए हर कोई अपने कैलिबर के हिसाब से बात करता है। मैं इस पे बात करना चाहता हूँ फराना, देखिए दुनिया जो बोलती है बोलने देना, आप जो है वो आप है। आप अगर एडमिट करें तो आप फर्स्ट एड हो रहे हैं, ठीक है, तो आप फर्स्ट एड ही ना हो ना। कहते हैं ना कि आप जो है वो आप हैं, आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, 10 लोग भी खराब कहेंगे तो आप तो हैं जो है। मैं तो हर कोई अपने कैलिबर के हिसाब से बात। हाँ बिल्कुल यही बात, जो बोलता है ठीक है भाई, आपने कह दिया आपकी राय है, अब मेरी जो राय है वो मेरी भी सुन लो, अगर आपको अच्छी लगती है ठीक है, नहीं लगती तो आपका अपना रास्ता मेरा अपना रास्ता। ऐसा ही ठीक हो गया, ज्यादा पंचायतों में नहीं पड़ता हूँ, जबरदस्त हो गया, आजाद उम्मीदवार है हम। सही है, झाड़ू रखना अपना इलेक्शन का इंतखाबी निशान, सही है, सफाई करो, मैं जरूर वोट, झाड़ू रखे मैं वोट दूंगा इसको, सही है, चलो हाँ झाड़ू रखो ना, सफाई करो भाई, जहरों की सफाई करने की जरूरत है लोगों की। क्या हम तो हर जगह की कर लेते हैं, वैसे सही बात है, देखो दिख जाए, सही है, अच्छी बात है भाई, वो सिपाही कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है ना, जबरदस्त जबरदस्त काम हो या कहीं का जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। चलो शहजाद, अच्छा लगता है आपसे बात करके, जरूर अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर बात होगी, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, कमेंट्स आ गए भाई, और खावर के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए हैं लोगों के, खावर कह रहे हैं, खावर भाई को अस्सलाम वालेकुम, आयशा कह रही हैं वालेकुम सलाम, आयशा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अलहरमैन कह रहे हैं कि प्यारी फरहाना जी, अच्छा जी आ गई, कह रहे ब्यूटीफुल शो, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। और इसके अलावा उरुषा कह रही हैं कि अभी अब मैं कहां जाऊं, सर फोड़ूं, क्या हो गया, तुम्हारी कॉल ही लग रही है मुझे, ये लग रहा है। और इसके अलावा आमना कह रही हैं कि
के क्या कह रही है मुन्नी आप ही और सबको आप तमाम लिसनर्स को सलाम कह रही है, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। और उसे कह रही है खावर भाई के शो की टाइमिंग बता दें, खावर भाई के शो की टाइमिंग है 7 से 9, बुध के दिन आप हर हफ्ते सुन पाएंगे, एक शो है ना, हाँ जी हाँ जी, चले जी बुध वाले दिन आप सुन पाएंगे। और इसके अलावा जोया कह रही है अस्सलाम वालेकुम खावर भाई को वेलकम, बहुत ही प्यारी आवाज़ है और आपको सुना था जवार भाई के शो में। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मुझे अप्रिशिएट किया, आपकी भी आवाज़ मैं महसूस कर सकता हूँ, जबरदस्त हो गया। और हारून रशीद करेंगे, अच्छा जी रहा इमरान सिस्टर की कॉल पे कर ली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके अलावा हमने करेंगे भाई अभिजान खबर भाई को मेरी तरफ से सलाम कह दें, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आबाद रहो। अब अब्दुल रशीद साहब बहुत शुक्रिया, सुनते हैं फैसल कॉलोनी चकवाल से, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा और कौन है, सज्जाद जैन मलिक अंकल कह रहे हैं कि आरजे खावर साहब को ZDFM की फैमिली में खुश आमदेद कहता हूं और सलाम पेश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका दिल से। शेख नाजर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वालेकुम अस्सलाम। और इसके अलावा मसूद साहब कह रहे हैं मैम आपकी आवाज जम्बू सिटी में अपने रस घोल चुकी है, क्या बात है, बाप रसगुल्ले बना के खा लीजिए। रुबीना कह रही है कि वालेकुम अस्सलाम भाई रुबीना, क्या हाल है, कैसी आप, ठीक हैं, खैरे से हैं, मजे में। हरमैन साहब कह रहे हैं कि अरे भाई हम यूके वाले तो सिर्फ प्यारी वरहाना को ही सुनेंगे, खावर को नहीं। बिल्कुल, मैं कहता हूँ देखिए हम लोग एक मैनेजमेंट में एक टीम में मौजूद है, अगर आपने किसी एक को सुना तो दूसरे 10 आरजे खुश होंगे कि हमारे किसी मैनेजमेंट की किसी एक हिस्से को तो ना गया ना, हाँ, तो ये बात है, तो हम मिलके चल रहे होते हैं और इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा कि आप ना चाहते हुए भी सुनेंगे। अरे नहीं, आप जरूर सुनिएगा और ये तो खैर ही खावर ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन आप जरूर सुनिएगा, मेरा भी शो सुने आप, लेकिन खावर का भी शो सुने, हुमैरा का भी शो सुने, जितने भी आरजे से सबका शो सुने ZDFM पर, आपको हर एक आरजे के शो में अलग फ्लेवर मिलेगा और आप एंजॉय करेंगे, राइट। और इसके अलावा आप कह रही है खावर भाई से पूछेंगे 7 से 9 सुबह में या रात में, अरे भाई रात में 7 से 9, तो 7 तो मैं सो रहा होता हूँ और 9 बजे ऑफिस होता है, तो 7 शाम के ना, तो शाम के 7 से 9 बजे इंशाल्लाह ताला मैं इसी आमना, राइट जी जी आमना, मैं इंशाल्लाह ताला वेडनेसडे को शाम 7 से 9 बजे सुनना ना बोलना, ठीक है, जबरदस्त हो गया, सुनना ना बोलना, ओके। अब तो समझ गए हैं कि मैं फर्स्ट टाइम मैसेज किया है, आपकी वॉइस और स्माइल लवली है, चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह ताला का कमाल है, उसने अता की आवाज तो देने वाले का कमाल है। मसूद साहब कह रहे हैं कि मुस्कान मैम जुम्मे वाले शो में तो आपको अरेबिक BGM चलाना चाहिए, उसके बाद कॉपीराइट आना चाहिए। अच्छा जी ठीक है, मामा शायद आई कह रहे हैं आज से इंतजार शुरू हो जाएगा, 2 दिन बाद आपका शो आएगा, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत शुक्रिया। अरे 2 दिन का ब्रेक दे दो मुझे, 5 दिन शो करती हूँ। इनसे नामिर वालेकुम असलम, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग मोहसिन लियाकत, वालेकुम असलम, थैंक यू सो मच। कह रहे हैं कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन सुमामी, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। और लाहौर का मौसम कह रहे हैं ना ही पूछे तो अच्छा है, बहुत गर्मी। चलें जी एक कॉल को अब हम शामिल करें, टाइम नहीं है क्योंकि हो चुके हैं 8:51, तो इजाजत लेंगे हम थोड़ी देर में, कुछ कॉमेंट्स को शामिल करूंगी और खबर के लिए कुछ मैसेज है तो उनको भी शामिल कर लेते हैं और उसके बाद फिर कुछ खबर से बात करेंगे, फिर आपसे इजाजत लेंगे। मोहसिन लियाकत कहते हैं बहुत शुक्रिया, चले जी आपका कहने खबर भाई को दिल से वेलकम ZDFM की फैमिली में। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोगों ने इतनी ज्यादा जो है वो मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं और विश किया, अप्रिशिएट किया, और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके दिलों में जल्दी घर करूंगा। अच्छा जी चलें, बहुत शुक्रिया फहद आप। और इसके अलावा आबिद अमीर कह रहे हैं कि चलें जी बहुत शुक्रिया, और फहद कह रहे हैं कि आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं। फहद मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, हर एक के पास अल्लाह ने जो दिया ना वो एक कैपेसिटी है उनकी, हाँ वो वही चीज है जो है, जो दिया है वो ऐसा ही है। हाँ। खुल के बोलता तो चीखता हुआ बोलता, जैसा हाँ। मैं हूँ वैसा ही नॉर्मल भी है, नॉर्मल भी देखिए भाई जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए, अभी फिर बनावट या अगर हो जाएंगे तो फिर क्या फायदा, हाँ, वही चीज है ना, तो इसलिए वो नेचुरल ऐसे। आप कहना है असलाम वालेकुम खबर भाई, अच्छा लगा आपकी आवाज सुनकर, ये बताएं कि आप इसके क्या आप इसलिए बिजी रहते हैं कि आप ऐसे लोगों को सुने, पता नहीं क्या लिखा, क्या लिखा है, आबिद अमीर कह रहे हैं कि अच्छा, आबिद भाई मैं समझा नहीं, एक बार दोबारा से फराना रीड करूं, वो कह रहे हैं आपकी आवाज पहले तो उनको अच्छी लगी है सुनकर, वो ये कह रहे हैं और बाकी का मैसेज मुझे खुद समझ नहीं आया। अच्छा मेरी आवाज आपको आबिद भाई पसंद है, दैट्स रियली गुड, और आगे वाला मैसेज मेरे ख्याल से वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा वो कह रहे हैं कि वो उनको जो है वो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पहले भी आपकी आवाज सुनी है, पता नहीं नाम तो सुना होगा, सुना था लेकिन आवाज तो सुनी है, ये मैंने अभी फर्स्ट टाइम सुना, लेकिन कोई बात नहीं, आप सुनते रहेंगे मुझे ZDFM 98.2 पे एवरी वेडनेसडे फ्रॉम 7 to 9 PM। जबरदस्त हो गया। अच्छा जी आगे बल कह रहे हैं कि हेलो मिस्टर खावर, हाउ आर यू, और लुक सो गॉर्जियस, चिल पर्सन, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। बहुत शुक्रिया फॉर द प्रेसिशन ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच। चैलेंज जी जबरदस्त हो गया, आई एम हारून, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा बस आप कह रहे हैं कि कोई मिस्रा एक फिट का, कोई मिस्रा गस का, ऐसे तुम गजल ना समझो, ये जदी
जदीद शायरी है, मुझे खौफ है पुलिस का, मेरा बाप मंत्री है। कामरान जी कह रहे खावर भाई को सलाम और हम वेट करेंगे आपके शो का। वालेकुम सलाम, बिल्कुल जी मैं आप शो के लिए अब तैयार हूँ और इंशाल्लाह वेडनेसडे का वेट है। चलें जबरदस्त हो गया। साथ साथ कह रहे हैं कि भाई अपनी मैडम फरहाना जी को सुनते रहो, इसी को इसको सुनने के बाद जिंदगी में सवार आ जाएगा। अच्छा चलो सही है, ठीक है जो बात है। और साथ साथ आप कह रहे हैं खबर भाई बिरयानी या पुलाव, खीर या गाजर का हलवा, ये मैं दूं या आप खिला रहे हैं, क्या है ये क्या है, ये ढगी छुपी बात की उन्होंने, अब उनको पता नहीं चल रहा। अब आप जवाब देंगे तो वो कहेंगे कि आप खिला दें। नहीं तो आपको क्या चाहिए, आप आपके ऊपर, ये बहुत सारी चीजें एक साथ खाएंगे या अलग अलग खाएंगे या अलग अलग दिन खाएंगे, क्या है? मुझे पूरा बीफ मैसेज करके दें, लेकिन एक मिनट के अंदर मैसेज चाहिए। वो मिक्स करके देंगे, वो मिक्स करके खाना चाह रहे हैं। अलहरमैन कह रहे हैं कि मेरी कॉल कब लगेगी, जब आप ट्राई करेंगे तब आपकी कॉल लग जाएगी। और साथ साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं दोनों टॉपिक पर आप ही हैं, चाहे कुछ भी हो कहीं भी हो, सब छोड़कर आपका शो सुनना, आपकी आवाज, और ये भी साइंस की मेहरबानी है जो हमें आप तक पहुंच मिली है। बिल्कुल जी ऐसे ही, और बहुत सारे लोगों की आवाज, बहुत सारे अच्छे आरजेस को आप सुनते भी हैं। ऑफ कोर्स मोहसिन लगा कहते हैं खबर भाई को दिल से वेलकम है जेडियो एफएम की फैमिली में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मोहसिन। और साथ साथ मुझे कह रही हैं आप इंस्टाग्राम पर आज मेरा मैसेज चेक कर लें, बहुत जरूरी बातें चल रही हैं, आई ट्राई टू चेक माय इंस्टाग्राम इनबॉक्स राइट। और कामरान शाह कहते हैं ओके भाई अभी अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया चलें जी। और अच्छा जी खबर आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज, कोई अच्छी बात, कोई शो के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे अपने शो के हवाले से? भाई मैं सिंपल सी एक बात कहूंगा आप सबसे कि लोगों की जो भी गलतियां हैं उनको दरगुजर करना सीखिए, ठीक है, दरगुजर कीजिएगा और ख़ताओं को माफ़ कीजिएगा। जब हम अल्लाह ताला से माफ़ी के तलबगार हैं तो हमें भी लोगों को अल्लाह की रजा के लिए माफ़ कर देना चाहिए। ज़बरदस्त हो गया, और बेस्ट ऑफ लक आपके शो के लिए। होपफुली आपका टाइम यहाँ पर बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह, और आप इंजॉय करेंगे और बाकी आरजेज भी जरूर आपका शो सुनेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, मुझे लगा कि आप जल्दी आएंगे लेकिन आप बड़ा देर से आए, तो वरना आपसे मजीद बहुत ज्यादा गुफ्तगू रहती थी। और मैं कुछ ऊपर हम लोग कुछ गेट टुगेदर थी, बैठे हुए थे, कुछ बातचीत चल रही थी, जिस वजह थोड़ा सा मैं लेट हुआ स्टूडियो के अंदर, बट इंशाल्लाह ताला आप लोग मुझे वेडनेसडे को जरूर सुनेंगे। और आरजे फराना और तमाम तरह आरजेस को सुनते रहिएगा जेड एफएम 98.2 पर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी मंडे को, जब तक अपना अपने प्यार को रखिएगा बहुत 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 ही ज्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों भी रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल। और साथ ही साथ अगर तो मेरी कोई भी बात इन 5 दिनों में आपको गिरा गुजरी हो, दिल आजारी हुई, तो मैं दिल से माजरत चाहती हूँ और हर जुमे को इसलिए माफी के चाहती हूँ कि भाई देखें पता नहीं होता इंसान की जिंदगी का, वैसे तो हर दिन नहीं पता, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जुमे का दिन है और मुबारक दिन है, इस दिन में सबके लिए दुआएं करें, अपने लिए दुआएं करें, मेरे लिए दुआएं करें, खबर के लिए दुआएं करें, सब आरजेएस के लिए दुआएं करें। और अगर तो कोई भी बात बुरी लगी तो मैं दिल से माजरा चाहती हूँ, क्योंकि शो का मकसद हमेशा यही होता है कि खुशियां बांटी जाएं, मुस्कुराहटें बिखेरी जाएं, और मकसद कभी यही नहीं होता कि किसी को नीचा दिखाया जाए या दिल आजारी की जाए। तो सिर्फ मुस्कुराहट बिखेरना, खुशियां बांटना इन 2 घंटों में मकसद है। बहुत ज्यादा महंगाई है, परेशानियां हैं, टेंशन इतनी ज्यादा, तो ये जो 2 घंटे हम कोशिश करते हैं कि आप खुश रहें, मुस्कुराएं और अपनी परेशानियों को कम से कम 2 घंटे के लिए एटलीस्ट भूल जाएं, ताकि फिर आपका अच्छा दिन गुजरे और सुबह सुबह आते इसलिए ताकि दिन आपका अच्छा हो जाए। सो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर मंडे को, जब तक अपना रबनी प्यारा रखिएगा ख्याल। जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआएं मगफरत जरूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआ में। Farhana is finally signing off. It was right until her phone began to ring. She takes it to Fiamanila. And I start wondering, I can hear her shouting, begging, fisting.